Hi everyone, this is Sharam Munawar Siddiqui and you're watching me on Something Hot. Keep watching Something Hot for exciting content and don't forget to subscribe. क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से ही इनको पैसे आते हैं और ये जो है ना बेचारे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लोग हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी. योर ट्यून इनटू समथिंग हॉट. दिस इज हार्ड टू हॉट. बड़े एक इंटरेस्टिंग शख्स मेरे सामने बैठे हुए हैं और इंटरेस्टिंग इसलिए हैं क्योंकि करीबन 10 साल हो गए उनको डेब्यू किए हुए टीवी के ऊपर. उनकी हंसी की आवाज भी आपको इसी बात पे आई है पीछे से. 10 सालों में उन्होंने सिर्फ 10 प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें से ऑब्वियसली कुछ फिल्में और कुछ ड्रामे हैं. आजकल हम उन्हें टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दोबारा देख रहे हैं. बट इन 10 सालों में इवन तो उन्होंने काम बड़ा किया है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज कम अ रियली लॉन्ग वे. वो लॉन्ग वे क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ही इज कम अ रियली लॉन्ग वे, और उनके जो आजकल ऑन एयर ड्रामा है जो के बड़ा एक पॉपुलर ड्रामा है जिसके बारे में हम हर हफ्ते बड़े जोरों शोर से बात भी कर रहे हैं, आप लोग भी बड़ा फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं द वेरी चार्मिंग, द वेरी सुआव, द कूल डेबोनेर एंड आल्सो वेरी टैलेंटेड शहरयार मुनव्वर. अस्सलाम वालेकुम Sherry, can I call you Sherry on camera as well? You can call me whatever you want. No, Sherry is fine. ये हसन आप तो embarrass कर दिया मुझे, इतना अच्छा आपने introduction दे दिया. तो मैंने सिर्फ facts point out किए. Very very facts. Sweet of you. Very कैसे sweet हैं आप Sherry यार? Alhamdulillah, मैं बड़ा impressed हुआ हूँ आपकी on screen energy से, क्योंकि हम 2 मिनट पहले ही बात कर रहे थे और हम एक different आपके अलग मात्रे में थे यहाँ और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ है तो हसन्स पुट ऑन दिस शोमैन. ये बस अल्लाह की तरफ से है शहरी, पता नहीं नेचुरली हो जाता है. कैमरा इज माय बेस्ट फ्रेंड, यू नो, ऑन होता है और फिर सडनली कोई मेरा स्विच ऑन हो जाता है. I'm very impressed. ये वाली एबिलिटी जो है मैंने फाद मुस्तफा में देखी थी जब मैं गया था जीतो पाकिस्तान. ये तो आपने बड़ा एक शदीद किस्म का कंपैरिजन कर दिया. नहीं बट ही इज अ फाद इज अ वंडरफुली टैलेंटेड performer. I think the way, the kind of energy he gives on, जिस किस्म की वो energy देते हैं जीतो पाकिस्तान पे, it's amazing. मतलब थोड़ी देर के बाद आप थक जाते हैं उनको देखते हुए. You know, whenever I go on his show, because he's so high, वो involved भी रखते हैं आपको, high involved रखते हैं. So it's a compliment. लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आप इस interview के बाद थके ना और हम दोनों ही ना थके. हालांकि I think there's a lot to catch up on, there's a lot to talk about. Yeah. एक मैं बड़ा सीरियस आपसे सवाल पूछता हूँ, हु इज शहरयार मुनव्वर? ये बड़ा एकदम मैंने सीरियस फिलोसॉफिकल सा सवाल पूछा, खतरनाक. मैं इस जब आप सवाल का मुझे जवाब दे देंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा. आपने मुझे अचानक टेंशन में यूनिवर्सिटी डेज भेज दिया ना, क्योंकि वो हमें प्रिपेयर करने के लिए कहते थे कि इंटरव्यू में हमेशा पूछते थे डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 5 words. यू कैन टेक एज मेनी वर्ड्स एज यू लाइक. I think Shahryar Munawwar is a son, a brother, a friend, a student, and a Pakistani, a Muslim. That's what he is. The reason I brought up this question is because, you know, I know you come from a family of wealth, extreme wealth, mashallah. Alhamdulillah. You had the resources at your disposal to choose or opt for any profession that you wanted. आप business कर सकते थे किसी भी चीज़ का, आप किसी भी तरह की job कर सकते थे, क्योंकि आपने पढ़ाई की अगर बात हो और या दूसरी तरह की जो भी resources एक इंसान को एक young उम्र में चाहिए होती हैं अपना ambition pursue करने के लिए, वो आपके पास थी. आपने choose किया acting को, and I wouldn't even say acting, you chose the entertainment industry. Why? अच्छा मैं आपको बताऊं, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ ट्रू. आई कैन नॉट, मैं इसके बारे इसको निगेट नहीं कर सकता इस बात को दैट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आई कम फ्रॉम वेल्थ. बहुत कंफर्टेबल मेरा चाइल्डहुड रहा हमेशा. बहुत जुल्म हुए ना मेरे साथ. वो जो एक एक्टर की हम देखते हैं ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी स्ट्रगल की जिंदगी थी, रोडों पे सोए और फिर हमने कहा कि यू नो वन डे आई विल ओन दिस सिटी एंड आई विल बिकम बिग, एंड
उस तरह का बैकग्राउंड नहीं, मुंबई का डॉन कॉन, मुंबई का डॉन कॉन वो वाला सीन आपका नहीं था, बट येट यू चोज दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाई. अच्छा बट हसन मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंगली इनफ जब मैंने आईबी से ग्रेजुएट किया तो मेरी बचपन से एक बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना इंडिपेंडेंस और खुद मुख्तारी का शौक था. तो इवन थ्रू आईबीए मोस्ट ऑफ मैंने काफ़ी सेमेस्टर्स की फ़ीस खुद भरी थी, और वो ऐसे भरी थी कि मैं एक वीजे की नौकरी करता था. आई वॉज वीजिंग, लिटिल नोन फैक्ट, ये शायद आपने रिसर्च, ये वाला मुझे नहीं पता था. ये आपको नहीं पता होगा. कहाँ पे? एक चैनल था ओए के नाम से. अच्छा. उस पर मैंने कुछ टाइम किया था. उसके अलावा मैं एड्स करता था, मॉडलिंग करता था, उससे जो पैसे आते थे. सो मैंने काफ़ी सेमेस्टर्स की फ़ी खुद भरी थी, और मुझे शौक़ था ये करने का कि मैं खुद खुद को सपोर्ट करूं. फिर जब मैं ग्रेजुएटेड तो अल्हम्दुलिल्लाह आई ग्रेजुएट विद अ डिसेंट जीपीए, अच्छी यूनिवर्सिटी में गया था. जब ग्रेजुएट भी किया तो उसके बाद नौकरी लगी मेरी एक जर्मन वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के साथ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पूरे बैच में सबसे ज़्यादा पैसा बना रहा था जो मुझे मिली थी. एंड एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जब आप एक आई बी ए टाइप के स्कूल से ग्रेजुएट करते हैं तो आपका सबसे बड़ा जो ज़िंदगी का ख्वाब होता है वो ये होता है कि आपकी एम एन सी में जॉब लग जाए. तो वो मैंने एक टिक ऑफ कर दिया, जो मुझे 4 साल प्रेशर में ज़िंदा रहा रखा था कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, वो हो गया, वो टिक ऑफ हो गया. 6 महीने मैंने काम किया, प्रमोशन भी ऑफर हुई मुझे. बट फिर ये था कि ड्यूरिंग आई बी ए डेज़ जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने कुछ काम किए हुए थे, जैसे वीजे किया हुआ था, एक शो में मैंने सपोर्ट कैरेक्टर प्ले किया था, ज़िंदगी गुलजार है. सो वो उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से, डायरेक्टर्स से, डिफरेंट लोगों से. तो मैंने फिर मैंने अपने बॉस से बात की, मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू लीव. तो ही वॉज़ अ नाइस गाय, उन्होंने मेंटोर भी बड़ा किया था मुझे. खैर नहीं बहते, उन्होंने कहा वाई डू वॉन्ट टू लीव. मैंने उनको कहा कि यू नो द थिंग इज़ के मैं इसके बाद क्या करूँगा. उन्होंने कहा देखो तुम्हें अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हो, तुम्हें वो प्रमोशन दे रहे हैं, साल यहाँ रुकोगे तो मैं बाहर शिफ्ट कर देंगे. मैंने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा फिर वहाँ से तुम 3 साल काम करके जब पाकिस्तान आओगे तो तुम सीनियर मैनेजमेंट में आओगे, किसी और कंपनी में लग जाओगे. मैंने कहा छपके तो फिर क्या होगा? कहते फिर तुम 5-6 साल अगले फिर एक सीनियर मैनेजमेंट में काम करोगे ताकि तुम एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सको. सो वो मुझे बहुत एग्जॉस्टिव लगी बात ना उसकी सारी, के थका देने वाली, कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद शादी कर लूँगा, उसके बाद ये हो जाएगा. सो मैंने कहा सर मुझे सिर्फ ये है कि ये मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो आई वॉन्ट टू लिव अ स्लाइटली डिफरेंट पाथ, टेक अ डिफरेंट पाथ इन लाइफ. तो फिर उसने सोचा 2 मिनट, उसने कहा फिर सही है, फिर तुम ये करो. सो देन दैट्स वाई आई क्विट माई जॉब. और फिर मैंने एक ऑफर था कहीं अनकहीं जो आपने मुझे याद कराया, ड्रामा मुझे याद भी जिसमें उर्वा और आयजा थी, जिसमें उर्वा और आयजा थी. अल्हम्दुलिल्लाह आई बिन ये मेरे साथ एक बहुत एक अल्लाह का एहसान रहा है कि मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है. सो यू चोज, यू डिसाइडेड कि यार कि मैंने ये परसू करना है, कि मैंने ये परसू करना है. बट व्हाई एक्टिंग? जब आप ग्रोइंग अप, हां, वर यू एट ऑल इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स? आप थिएटर करते थे स्कूल प्लेज में? स्कूल प्लेज में, स्कूल प्लेज में थिएटर करता था, स्कूल प्लेज करता था. एक्चुअली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं. इफ यहां पे आप जाएंगे तो एक क्लिपिंग लगी होगी उस पे, एक फ्रेम पे, वो मैं आपको क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं. ये मेरी बचपन की पहली परफॉर्मेंस है जी, द न्यूज़ में कवर हुई थी. द न्यूज़ में कवर हुई थी, मेरा फ्रंट पेज था. माशाल्लाह. ये मैंने 2000, इसमें आपको रुक जाए मैं डेट बताता हूँ, ये मार्च 2003, मैं ये 8th grade में हूँ. अच्छा. और ये तो ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि द न्यूज़ ने कवर किया उसको बकायदा तौर पे. शायद वो अच्छी स्टूडेंट स्टेज, हाँ शायद शायद परफॉर्मेंस अच्छी थी या फिर सिटी स्कूल वालों ने पैसे दिए थे फ्रंट पेज पे आने के लिए, ये मुझे नहीं पता. लेकिन सो आई यूज्ड टू डू दैट, ये मैंने काफ़ी किया था. लेकिन जो आप स्टेज पे करते हो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जब कैमरा ऑन होता है. शुरू शुरू में जब मैंने काम शुरू किया, कैमरा ऑन होता था, मुझसे सांस नहीं लिया जाता था, मुझसे बोला नहीं जाता था, और मैं एक्टिंग कर रहा होता था क्योंकि मैं एक तो फ्रीज हो जाता था और ऐसे होता था और मैं सोच रहा होता था, मैं सोच सोच के चीज़ें बोलता था कि अच्छा अब मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं ऐसे करके बोलता हूँ, मैं ऐसे करके बोलता हूँ. इट टुक मी बहुत सारे साल लगे टू फॉरगेट कि कैमरा है. यू नो वो एक चीज़ होती है, यू ऑब्वियसली हमेशा आपके दिमाग में होता है कि कैमरा मेरे राइट साइड पे का है. तो वो मुझे बहुत डर लगता था शुरू में. खैर एनी वे, सो ये शौक था और मुझे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करने का शौक था. तो दैट वॉज द रीज़न. Was it also because आपका एक घर में भी इन्फ्लुएंस था? योर फुफो इज सुल्ताना सिद्दीकी, हु इज द ओनर ऑफ हम टेलीविजन. जी जी. वो भी इन्फ्लुएंस एक था
जी मैं बनाई व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैं जाता था पपी के सेट्स पे जाता था, और मेरे पास बहुत सारे उनके प्लेज़ की तस्वीरें अभी तक हैं, वो जो प्रिंट की हुई तस्वीरें हैं जिसके पीछे सारे अदाकार उनकी ऑटोग्राफ्स, हुमायूं साहब का भी ऑटोग्राफ है मेरे पास बचपन से, एंड एजाज असलम का भी, अदनान सिद्दीकी का भी, इन सारे ये वो लोग जिनके साथ अब मैं सेम इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो ग्रोइंग अप मैं उनका बड़ा फ़ैन था और वो ऑटोग्राफ्स भेजा करती थी, मैं उनके सेट पे जाया करता था। एक दफ़ा मैं उनके सेट पे गया तो वो पीटीवी के सेट पे गया था, और वहाँ पे कोई मुगलाई प्ले हो रहा था, तो मैं वो छोटे नवाब के कपड़े लेके आ गया ना जो, तो वो मैंने आके स्कूल में पहन लिए थे, तो मैं इस तरह की हरकतें करता रहता था। तो वो शौक मुझे बिल्कुल था उनको देखते हुए हमेशा, और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थी, तो मुझे हमेशा से इसलिए बिहाइंड द कैमरा का काफ़ी शौक था। तो हाँ, वो उनके होने से फ़ायदा ये था कि मेरे मुझे एक एक्सपीरियंस था उनका, कि वो वहाँ पे हैं। हाँ, सो दैट दैट प्लेड सो अ एक ऑब्वियसली ये जो आपका डिसीजन था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का, ये इतना कोई अनहोनी बात नहीं मुझे लग रही, बिकॉज ऑब्वियसली एक फैमिली कनेक्शन भी था, इंटरेस्ट भी था, आप इस फील्ड में आ गए। 2012 जो हम ऑफ कैमरा डिस्कस करे थे, जो मैंने रिसर्च की, 2012 वाज अ सिग्निफिकेंट ईयर इन योर लाइफ फॉर सेवरल रीजंस। जी एक तो ये कि जो मैं देख रहा था आपके चार ड्रामे, पांच आपने ड्रामे 2012 से 2014 के बीच में किए हैं मेरे हिसाब से, आई कुड बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट माय रिसर्च सेज। उनमें से हाँ चार ड्रामे एक्चुअली वेंट ऑन एयर इन 2012। जी, 2012 इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली द ईयर दैट यू लॉस्ट योर आई ब्रदर लॉस्ट माय ब्रदर, इन डिसम्बर। आई ऑल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी दैट ईयर। यू ऑल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी दैट ईयर, सो अ वेरी सिग्निफिकेंट ईयर इन योर लाइफ। ऐसे ही है। फर्स्ट हाफ में आपका ड्रामा ऑन एयर हुआ, मेरे दर्द को जुबान मिले, जी आपका वो ड्रामा पहला ड्रामा नहीं था, आपका एक्चुअली जो ड्रामा आपने सबसे पहले शूट किया था वो जिंदगी जिंदगी गुजार, गुजार है, विच यू 2010 में शॉट शूट इन। हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी में था, आई वॉज इन सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी 2010, क्योंकि 9 में मेरे ख्याल से हमसफ़र निकला था, राइट आफ्टर दैट उन्होंने फवाद को लेके वो शूट किया था, एंड उन्होंने ऑन एयर बहुत देर से किया वो। चले, मेरे दर्द को जुबान मिलने के बारे में फिर बाद में बात करते हैं, मुझे ये बताएं हाउ डिड जिंदगी गुजारा कम टू यू। मैं एक शादी पे था, फैमिली की शादी पे था, एंड वहाँ पे आंटी थी, आंटी सुल्ताना, उन्होंने मुझे बहुत टाइम से बोला था कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे, तुम मेरे लिए कुछ करोगे, तो मुझे वो फैमिली की शादी पे मिली थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक प्ले कर रही हूँ और मैं बहुत दिनों के बाद डायरेक्ट कर रही हूँ, तो तुम्हें कुछ करना है मेरे लिए, तो मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगा, क्या करना है। तो वो उन्होंने मुझे वो हीरो के भाई का, हीरो के दोस्त का जो कैरेक्टर था, वो उसामा नाम था उसका, फवाद का दोस्त है उसमें, तो वो कहा था करने के लिए। उसके कुल मिला के मेरे ख्याल से कोई 14 सीन थे, तो Did that upset make you really upset? नो नॉट एट दैट टाइम, नाउ इन Like रेट्रोस्पेक्ट इट डज। your, if I think about it, अपने आप को मैं consider करूं, मेरी फुफ्फो अगर मुझे बोले मुझे बड़ा शौक है ड्रामे में कास्ट काम करने का, एक्टर बनने का, और मैं बोलूं यार मेरी फुफ्फो इतनी बड़ी डायरेक्टर हैं, इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, इतना बड़ा चैनल चला रही हैं, वो मुझे लॉन्च करेंगी, बट वो मुझे हीरो के भी दोस्त का रोल ऑफर कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं 14 सीन थे। किसी भी नॉर्मल यंग बॉय को उस वक्त ये बात, हसन, वो मेरी पप्पो बाद में बिजनेस वुमन पहले हैं, अगर वो बिजनेस वुमन ना होती तो आज उनका चैनल ना होता, तो वो अगर ऐसे ही अपने हर नेफ्यू को एक एक प्ले दे रही होती तो आज उनका चैनल ना होता अपना, तो इसलिए उन्होंने उन्होंने मुझे उस टाइम पे प्ले पे इसलिए लिया क्योंकि वो मुझे फेवर नहीं करी थी, क्योंकि मैं उनको फेवर कर रहा था, क्योंकि उनको एक हसीन लड़का चाहिए था जो उनकी स्क्रीन को, क्योंकि अगर आप देखें तो उस पूरे प्ले में उन्होंने एक सर्टेन एस्थेटिक फॉलो किया, इवन कास्टिंग में सारे गोरे बच्चे हैं ना ये हम टीवी का मसला है आपके जो ताल्लुकात मजीद ना खराब हो जाएंगे फुफो के साथ और मैं वजह ना बनूं तो उस प्ले को करने के लिए मेरा CV पे जो बेसिक मेरा कि जो गुड लुकिंग था होना चाहिए वो बच्चा ये था कि बच्चा जो है शक्ल में ठीक है, और अंग्रेजी अच्छी बोल, अंग्रेजी अच्छी बोल रहा था, क्योंकि कूल उस हो। उसमें हाँ, क्योंकि उन्होंने वो दिखाया था वो ज़रा जो है क्या कहते हैं उसे, अपर क्लास का एक यूनिवर्सिटी कॉलेज सारे दिखाया था, इलीट सोसाइटी के बच्चे बच्चे थे। दिखाए थे, तो मेरा जो बेसिक रिक्वायर जो CV पे जो था जो चीज़ दैट मेड मी केपेबल ऑफ डूइंग दैट प्ले वॉज जस्ट द फैक्ट दैट मैं एक शक्ल में ठीक था और मैं एक अच्छी फैमिली से था और अच्छी यूनिवर्सिटी में था, तो
तो खैर तो वो था, बट वो उसके कुछ 14-15 Which सीन had more to do with the character traits and less to do with the acting. Yeah, with anything else. So उस तरीके से था, and but yet I would say के But you accepted it. I accepted it. Obviously मैंने उस वक्त accept इसलिए किया था क्योंकि ना कि मुझे कोई acting का इतना उससे था कि मैं इससे you know slowly एक acting career में आ रहा हूँ, but मुझे ये था कि it would be fun क्योंकि मैं theatre तो कर रहा था school में. मैंने कहीं तो मज़े का होगा, डिबेट्स भी करता था. सो वो किया मैंने एंड इट वाज अ वेरी टेरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी. बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था. जैसे मैंने आपको बताया कि थिएटर करना अलग बात थी यूनिवर्सिटी में, बट कैमरा को फेस करना बहुत स्केरी चीज़ थी मेरे लिए. बट वाई डू कॉल इट अ टेरेबल एक्सपीरियंस? बिकॉज मैं एक यूनिवर्सिटी का बच्चा था. कोई हमारे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होती नहीं है एक्टिंग की, और किसी के पास टाइम भी नहीं होता ड्रामे पे कि वो बैठ के आपको बताए कि अच्छा भाई क्या कर रहे हो, इधर आओ, इस लाइन को ऐसे पढ़ो. बैक स्टोरी क्या होती है वो किसी को बताने का टाइम नहीं होता था. कैरेक्टराइजेशन क्या होती है किसी के पास टाइम नहीं होता था. बट सुल्ताना सिद्दीकी हरसेल्फ वाज डायरेक्टिंग दैट ड्रामा. हाँ बट टाइम नहीं होता है किसी के पास. तो किसी ने मुझे वाज दैट बिकॉज़ आपका जो कैरेक्टर था वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं था? आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं था उनके पास. बिजी थे, बड़ा ड्रामा कर रही थी, नहीं था उनके पास टाइम, उन्होंने नहीं बताया. तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो एक्टर्स थे एंड राइटफुली सो इट वॉज अनफेयर टू देम इज वेल के यू नो दे हैड अ न्यू पर्सन टू वर्क विद. बट सो इवन दैट एक्सपीरियंस वॉज इन ग्रेट फॉर मी. And so you're aware that your performance in Zindagi Gulzar was terrible. It's horrible. I can't sit through 2 seconds of it right now. I see it and I just want to bang my head. मैं अपना सर मारना चाहता हूँ दीवार में. वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बुरा था जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक पूरा जो एक 2-3 महीने, इवन तो मेरे 14-15 कोई सीन थे, लेकिन वो एक 1-1.5 महीने की इन्वॉल्वमेंट थी. वो टाइम बहुत बुरा था बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई मुझे समझा नहीं पा रहा था कि करना क्या है. एंड बहुत सिंपल बात होती है, एक बच्चे को उठाना होता है, आपने बिठाना होता है, आपने बोलना था यार ये देख ये लाइन है, ये तूने पढ़नी है, इस लाइन में एक मायने है, वो मायने समझ ले, लाइन सही है सब बोल देगा. बट अगर आप स्क्रिप्ट सेट पर पहुँचेंगे और उस वक्त सीन में 2 मिनट जाने से पहले आपको एक बंदा आके हाथ हैंड नोट्स लिखे हुए देगा स्क्रिप्ट के और बोलेगा ये सीन है ये लाइनें बोलनी है तुमने जाके बोल दो, तो पहले ही आप परेशान होते हैं और वो देख के आप और परेशान हो जाते हैं. सो ऐसे था. एंड 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 फवाद वाज आल्सो वेरी टफ ऑन मी यू नो, सो दैट वाज आल्सो प्रीटी टफ. एंड एंड राइटफुली हाउ वाज फवाद टफ ऑन यू? आर यू गाइस नॉट फ्रेंड्स? नो, आई एम वेरी सिविल. वेरी फ्रेंडली विद फवाद. जब भी मिलते हैं मैं इज्जत देता हूँ, मेरे सीनियर है, मैं उनको हमेशा इज्जत देता हूँ, वो भी हमेशा प्यार से बात करते हैं. मेरी 2 फिल्मों में कैमियो किया है एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने मेरे लिए, तो मेरी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है. बट वो पहली दफ़ा था जब हम मिल रहे थे एंड फवाद वो स्ट्रेट आउट ऑफ हम सफ़र. तो यू नो एंड और उनको शायद लग रहा था कि ये तो जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नेफ्यू आया हुआ है यहाँ पे या कुछ है. So he was giving me a tough time, and did he used to bully you on set? I mean, it was a different kind of bullying. It wasn't the जो हम टीवी पे देखते हैं कि वो फिर चलो जी खड़े हो जाओ यहाँ पे सजा करो ये वगैरह. But yeah, it was he was. Would you want to get into details? No, he was tough on me. He was tough on me, and that period was tough, and then. Just that fear of being there. So now in retrospect, जब मैं सोचता हूँ तो वो बड़ा मुश्किल 1.5 महीना गुजरा था मेरा. खैर नहीं, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली अपने YouTube चैनल के ऊपर ज़िंदगी गुजार है पूरा देखा है और उसके ऊपर एक हमने रिव्यू किया और बात भी की. और ऑब्वियसली जब मैंने पहले ज़िंदगी गुजार ही नहीं देखा हुआ था, मैंने अब जब देखा तो इंट्रो में जो मैंने बात बोली कि मुझे पर्सनली लगता है यू हैव कम अ लॉन्ग वे इज बिकॉज जब मैंने आपकी जिंदगी गुलजार में परफॉर्मेंस देखी सो अब हम आपको पहली सी मोहब्बत में देख रहे हैं. उस वक्त तक हमने आपको परे हट लव में देखा हुआ था. लुक एट दिस बॉय, जहाँ से ये शुरू हुआ था वहां पे परफॉर्मेंस जिंदगी गुलजार में इज ऑब्वियसली नॉट योर बेस्ट वर्क एंड यूर एडमिटिंग रब का एंड नाउ व्हेन परे हट लव आई रिमेम्बर राइट आउट व्हेन वी गॉट आउट ऑफ द प्रीमियर आई हग्ड यू. That's and true. I said, Sherry, that scene, my God, was so good. And now we're seeing you in Pehli Si Mohabbat. This is, I mean, you've only done 10 projects.
9 अगर जिंदगी गुजारे को अगर आप निकाल ही रहे हैं जिंदगी बेजार आई मीन गुलजार है को निकाल दें अगर बट 10 साल 10 साल आपने क्या किया क्या मेहनत की उसके ऊपर भी आते हैं बट राइट आफ्टर जिंदगी गुलजार है व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू चोज दैट यू थॉट वुड बी योर बिग ब्रेक कि यार के जिंदगी गुलजार है का तो टेरिबल एक्सपीरियंस हो गया अब मैं एक प्रोजेक्ट ऐसा सोच के करूंगा समझ के करूंगा जो हर तरह से हर मयार पर पूरा उतरे अगर आपने बोला 2012 में मैंने 5 प्ले कर लिया और उसके बाद फिर 9 साल मैंने प्ले नहीं किया और अब जाके किया तो अगर मेरे ख्याल से मैं 2 साल और काम करता रहता तो मैंने 50 और प्ले कर देने थे काम की कमी नहीं आप ARY का काम भी कर रहे थे आप जियो का काम भी कर रहे थे और ऐसा नहीं कि आप हमका ही खाली कर रहे हो क्योंकि हमका तो मैंने करना बंद कर दिया था उसके बाद आपने डिसाइड किया कि तो वो मैंने डिसाइड नहीं किया बस वो कुछ आई थिंक जनरली एक ऐसा हुआ कि काम ही नहीं हुआ हमका और मेरा साथ उसके बाद तो वो हमने काम किया ही नहीं उसके बाद साथ लेकिन ARY और जियो पे किया लेकिन अगर मैं रुकता उस ड्रामा गेम में अगर रुका रहता साल और 2 साल तो मैंने 50 ड्रामे और कर लेने थे और एक्चुअली इट वॉजेंट कि काम की वजह से इतना ज़्यादा काम आ रहा था और मुझे हैंडल करना नहीं आ रहा था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई गाइडेंस नहीं थी किसी ने बैठ के ये नहीं बताया कि अच्छा ओके जैसे एक तरीके से आप जैसे कहते हैं कि कुछ एक्टर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं था मेरे साथ और वो इसलिए नहीं था कि मेरे घर से मुझे जियो से ड्रामा आ रहा था ARY से आ रहा था बट वो भी एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था कि इतना सब कुछ आ रहा है और समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपने काम से खुशी नहीं है कि मैं काम सही नहीं कर रहा काम देने को सब तैयार है लेकिन 5 मिनट लगा के कोई बताने को तैयार नहीं है कि बेटा रुक जा यार कैमरा से क्यों डर रहा है ये बात कोई मेंटोरिंग नहीं है कोई कुछ नहीं है एंड तो मैं खुश भी नहीं था अपने काम से लेकिन ये काम आ भी क्यों रहा था जब आप जिंदगी गुजार है जब देखा होगा लोगों ने ऑब्वियसली एंड योरसेल्फ एडमिटिंग योर परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क Why will people still offering you work? जिंदगी गुजारे के साथ ही आया था मेरे दर्द को जो ज़ुबान मिले ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मैं आपसे शुरू में भी पूछ रहा था You opted for a character that's deaf and mute. ये आपने डिसीजन क्यों लिया और ये जो ड्रामा था ये आपके पास किस पॉइंट पे आया जिंदगी गुजारे जब चल रहा था तब उसके बाद ये जिंदगी गुलजार है से पहले रिलीज हुआ था लेकिन शूट ये बाद में हुआ था ज़िंदगी गुजार है जब चल रहा था तो उसके रशेस 1-2 दिन के चले थे जो रशेस डेलीज होते हैं तो वो जब डेलीज एडिट पे कट रहे थे तो अदनान अहमद डायरेक्टर थे उन्होंने कहीं पे देख लिया था तो उन्होंने मुझे कॉल की थी जो दूसरे डायरेक्टर थे उसके तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा मेरे लिए प्ले है तुम करोगे अरूज नाम था आपके अरूज नाम था उसका एंड मेरे ख्याल से उस वक़्त मेरे लिए ये एक अकलमंद चॉइस थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे उर्दू में मेरी मदर बलोच है मेरे फादर सिंधी हैं मैं इस्लामाबाद में ग्रो अप किया था जहाँ पे लोग या तो अंग्रेज़ी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं तो उर्दू मेरी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस टाइम पे और वो इसलिए नहीं क्योंकि हम अंग्रेज़ी बोलते थे इसलिए बट क्योंकि घर में मेरे उर्दू बोली नहीं जाती थी मदर के साथ मैं बलोची बोलता था फादर के साथ सिंधी बोलता था स्कूल में हम लोग अंग्रेज़ी बोलते थे या फिर तो सो मैंने कहा कि ये एक बेहतर होगा कि हम एक ऐसा कैरेक्टर करें जिसके डायलॉग्स नहीं हैं तो वो मैंने किया एंड उसके लिए मैंने साइन लैंग्वेज जाके सीखी थी प्रॉपरली तो बचपन से मुझे एक शौक था कि मैं बिकॉज स्टूडेंट भी अच्छा था तो मैं एक सर्टेन मेथड और एक सर्टेन होमवर्क के साथ काम करना पसंद करता था सो वो किया मैंने फिर वो किया तो वो अच्छा चल गया था वो लोगों को अच्छा लग गया था तन्हाइयां नए सिलसिले भी किया आपने ये सारे ड्रामे आपके बैक टू बैक बल्कि मैं तो देख रहा था साइमल्टेनियसली ऑन एयर सारे एक साथ ही शूट हुए थे ये सब कुछ 2012 में ही शूट हुआ 2012 में ही निकला एंड कहीं अनकहीं भी आपने किया नॉन स्टॉप बैक टू बैक शूट्स हो रही थी मेरी एंड मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि मैंने जब ये सारे ड्रामे निकले आई थिंक इट वॉज फाइनली तन्हाइयां नए सिलसिले था जिसके बाद मैंने देखने के बाद कहा था कि यार मैं खुश नहीं हूँ मुझे अब ये जो है मुझे काम समझना है सीखना है ऐसे नहीं करना तो फिर मैंने 2012-13 के बाद नहीं आसमानों पे लिखा के बाद आसमानों 2014 अ ड्रामा विद सज्जल आसमानों पे लिखा है पे के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने नहीं करना जिसके बाद फिर मैंने करना छोड़ दिया ड्रामे और मैंने बिहाइंड द कैमरा इस तरीके से काम किया कि मैंने एक ऐड किया था आसिम अज़हर साहब के साथ तो उस ऐड के बाद मैंने उनको कहा था कि ये जो आप करते हैं आपकी टीम उनकी सारी टीम यंग थी यंगस्टर्स की टीम थी मैंने कहा था मुझे भी आप
ले लें, अगर इंटर्न ले लें या असिस्टेंट ले लें या सेकंड एडी, थर्ड एडी, फोर्थ, तो वो पहले तो नहीं माने. फिर मेरे एक और कुछ महीने बाद उनके साथ आर्ट हुआ, तो मैंने उस पर बहुत उनको इंसिस्ट किया. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें इंटर्नशिप पे ले लेता हूँ. अच्छा, हैंग ऑन नाउ, अ पर्सन हु इज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, बिकॉज यू डन व्हाट, फोर फाइव ड्रामास जी एट दैट ऐसे पॉइंट, ही यू वर ऐसे. गेटिंग ऑफर्स, यू वर मॉडल, बिकॉज आप पहले भी मॉडलिंग मैंने करते उनके हैं, साथ कोक का एड एज अ मेन, एज द मेन प्रोटैगनिस्ट किया था. एज लीड आपने उनके साथ कोक का एड मैंने किया है, उनके साथ लक्स का ऐड किया था, हुमायमा के ऑपोजिट एज लीड उससे पहले. आपने लक्स का ऐड किया उनके, यू वर द लक्स मैन, या आई वाज द लक्स मैन इन. एंड यू गो अप टू द टीवीसी डायरेक्टर एंड यू टेल हिम दैट आई वांट टू इंटर्न विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू शेरी? नो हसन, मैं आपको बताऊं, अगर मैं वो नहीं करता ना, मैं आपको बताऊं इन अ गुड वे, आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद यू इन अ गुड वे. देखें, अगर 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 मैं हम के साथ काम कर रहा होता, मतलब अगर मैं वो जो आपने मुझे बोला पहले, सबसे पहले आपने इतना बड़ा मेरे सामने वो रख दिया कि आई कम फ्रॉम प्रिविलेज, अगर मैं अपने प्रिविलेज को इस्तेमाल कर रहा होता और मैं लेट्स से अगर मैं हम के साथ ही काम कर रहा होता और अगर मैं अपने आप को ये सोचता कि मैं लक्स मैन हो गया हूँ और ये कर रहा, तो आज मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ. मुझे पता था कि स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मुझे सीखना बहुत ज़रूरी है. सीखे बगैर मुझे, मतलब मुझे सब कुछ प्लेट पे आके मिल तो रहा था, लेकिन मुझे वो चाहिए नहीं था प्लेट पे, बिकॉज मैं खुश नहीं था अपने साथ. मैं अपनी परफॉर्मेंस से नहीं खुश था, मैं अपने आप से नहीं खुश था, मुझे खोखला महसूस हो रहा था अंदर से. आप समझ सकते हैं, मतलब उस खुशी का क्या फ़ायदा जिसके एंड में आप खोखला महसूस करें. मतलब कोई सब्सटेंस नहीं है आपके अंदर. फिर मैंने उनको जाके बोला कि मुझे इंटर्न करना है आपके साथ, तो उन्होंने मुझे एज एन इंटर्न लिया था शुरू में, और मैंने एज एन इंटर्न काम करना शुरू किया. मेरे पेरेंट्स भी बड़े परेशान हुए कि IBSS ने पढ़ा है, पहले MNC में काम कर रहा था, अच्छे पैसे कमा रहा था, फिर चलो उसके बाद उसने छोड़ के ड्रामे किए, ड्रामे किए तो बड़े ड्रामे कर दिए, ऐड बड़े कर था, अब इंटर्नशिप करेगा, तो वो भी परेशान हो गए. खैर, मैंने वो इंटर्नशिप शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं उनका थर्ड AD बना, फिर मैं सेकंड AD, फिर मैं उनका फर्स्ट थर्ड AD. एडी से शुरू किया आपने, पहले इंटर्नी से शुरू किया था, इंटर्नी से फिर थर्ड थर्ड एडी, AD, सेकंड सेकंड एडी, AD, फिर फर्स्ट एडी. फिर फर्स्ट AD, एंड फिर उसके बाद फिर मैं उनका प्रोड्यूसर बना. फिर उसके बाद मैंने उन्हीं की कंपनी के अंडर कुछ एड्स डायरेक्ट किए. मैंने कोक के लिए ऐड डायरेक्ट किया, मैंने स्प्राइट के लिए किया, लॉरियल के लिए किया, पेप्सी के लिए किया, एक पूरा TV शो डायरेक्ट किया जो कि बहुत थका देने वाला एक्सपीरियंस था. व्हिच शो वाज दैट? दैट वाज स्प्राइट स्पाइस वॉर्स. तो पूरा डिज़ाइन भी खुद किया, शूट भी खुद किया, एंड सो ये सब काम उनके साथ किया. बट सबसे इम्पोर्टेंटली इस ग्रोथ में जब काम किया था मैंने, मैंने ब्लोर भी मारा, लेकिन मैंने ब्लोर प्रियंका को भी मारा. ये कब हुआ? मुद्दे की बात पे आते हैं. नतीजे से बैठ के ब्लोर मार रहा था. ये कब की बात है? ये 2015 में मेरे ख्याल से हमने किया था, क्यों मोबाइल का ऐड किया था उस पर मैं AD था. अच्छा अच्छा सो वहाँ पे प्रियंका जो थी, मैं उनको ब्लोर मार रहा था, और बीच ब्लोर मारने में उन्होंने बोला, उन्होंने कहा शहरयार मैं तो पहले ही मर गया ना, उसको मेरा नाम आता है, मैं दिल पकड़ के लेट गया. तो कहती हैं माई मदर इज़ अ फैन ऑफ यू. मैं कहा हाँ. कहती हैं या यू नो शी इज़ इन द वैनिटी, वुड यू जॉइन मी इन द वैनिटी फॉर अ बिट, शी वॉन्ट्स टू मीट यू, शी वॉन्ट्स अ पिक्चर विद यू. उस वक्त जी जिंदगी पे प्लेस चल रहे थे, तो उन्होंने कहीं अनकहीं कोई देखा हुआ था, तो उनकी माँ को मैं बहुत कोई क्यूट बच्चा लगता था उस वक्त. तो मैं तो मतलब वहीं पे हार्ट फेल से लेट गया जमीन पे ना. तो मैं समझ नहीं आ रहा, पर मैं कूल बहुत ये बच्चा जो राउंड कर रहा है वहां पे ब्लोअर लेके फिर रहा है और सेट ब्लोअर लेके फिर रहा है, पानी की बोतलें लाके लोगों को दे रहा है, झाड़ू पोछे कर रहा है. प्रियंका चोपड़ा की माँ उनकी फैन. हाँ, तो ये वो मैं यू नो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. यार आपको क्या उस वक्त आप क्या आपने फील किया? क्योंकि मैं आपकी जगह होता तो मैं तो मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है. बट मैं थोड़ा सा वो अचानक से एक्टर भी निकला, ऑब्वियसली फैन है मेरी. तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं था. बट लेकिन प्रियंका इतनी स्वीट थी अबाउट इट, बिकॉज उसने इतने वार्मली मुझे बोला. उसने कहा शेरियार ऑब्वियसली आई नो यू एंड माई मदर इज अ फैन, और तुम आओ मेरे साथ, मेरे वैनिटी में आओगे. तो वो वैसे ऐसा था कि जो स्टार का जो वो वैनिटी था उसका पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ होता है, और किसी को हिम्मत नहीं होती प्रोडक्शन से वहाँ पे जाने की. और वो मैं पूरी वो ऐसे ही होता है, लाइन क्रॉस करके मैं अंदर गया, वैनिटी में गया, उसने बिठाया, एंड देन शी ऑफर्ड मी, शी लाइक व्हाट यू वांट समथिंग, बैठ जाओ. एंड देन उसकी उनकी वालदा वहाँ पे थी, एंड शी दे बोथ वेरी स्वीट टू मी. उन्होंने तस्वीरें वस्वीरें खिंचवाई और बात बात हुई. फिर मैंने फिर बस ऐसे हुआ. एंड इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने उसके 1-1.5 साल बाद मैं फिर उसको ब्लोर मार रहा था.
सोनम कपूर को. तो और वो एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि उससे कुछ महीने पहले, अच्छा ये हुमन जहां के बाद की बात है. अच्छा ये, अच्छा फिल्म करने के बाद भी आप लोर मारते रहे? हाँ मैंने फिर भी एडी किया था. मैंने आसम को तो मैंने काफी सारे एडी किया उसके बाद भी, और मैंने उसके बाद डायरेक्ट भी किया उनकी कंपनी के, प्रोड्यूस भी किया, बट उसके बाद भी ब्लोर मारता रहा. लेकिन ब्लोर आपने मारा, मैंने नहीं छोड़ा. आपने का ब्लोर नहीं मैंने छोड़ा. उसके अलावा भी फर्स्ट एडी के बहुत काम होते हैं, लेकिन लेकिन प्राइमरीली ब्लोर. नहीं प्राइमरीली नहीं, बहुत काम होते हैं फर्स्ट एडी के, लेकिन ये ब्लोर मैं मारता था. तो सोनम को जब आपने ब्लोर मारा, सोनम को जब मैं ब्लोर मारा था, तो उसमें इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि मुझे अनिल कपूर साहब ने कॉल की थी एक फिल्म के लिए उससे पहले. This is a time जब पाकिस्तानी एक्टर्स बॉलीवुड में काम करते हैं. जी, तो उन्होंने कॉल की थी. वो एक एक कास्टिंग एजेंट थे, मुकेश छाबड़ा नाम था, उनके थ्रू कॉल की थी. तो वो मुकेश छाबड़ा साहब एक्चुअली बहुत नाराज भी हो गए थे मुझसे उसके बाद, क्योंकि आपने इनकार कर दिया था. जी मैंने मैंने उनसे पूछा था कि क्योंकि पहले उन्होंने मुझे एक ऑफर की थी फिल्म, तो उसमें मेन एंटेगनिस्ट था एंड वो मेन स्ट्रीम फिल्म में बहुत बड़ा नाम है फिल्म का, मैं नहीं लेना चाहता बिकॉज जो काम आपने नहीं किया उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत. तो मैंने अगर ले भी लें तो कोई बुरी बात नहीं है वैसे. नहीं नहीं कोई फायदा नहीं, अब जो नहीं है वो ही बात. सो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा कि नहीं, बट मैं एंटेगनिस्ट कैसे कर पाऊंगा, मुझे नहीं समझ आता, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा. मुझे लगता है एंटेगनिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा आपको अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए. एंड वाज दैट द रीजन दैट यू Also the fact that मुझे लगा था कि बहुत typical हो जाता कि आप एक पाकिस्तानी होते हुए इंडिया में जाके antagonist का काम करो, you know. तो मैंने कहा कि just that commentary on the political situation that we had between the countries was a bad. अगर मैं इंडिया में जाके काम ही करता तो मैं कोई प्यार मोहब्बत का काम करता, you know. तो at least ये लगता कि यार I was a agent of agent. What I mean by that is I was a agent of peace. हाँ. तो नहीं, बट इस इन दो के बीच में ये वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए ना. एम्बेसडर ऑफ, एम्बेसडर ऑफ पीस. आई वाज एन एम्बेसडर ऑफ पीस. बट वो अगर मैं एंटेगनिस्ट बन के जाता तो नहीं होता. तो वो पहले मैंने उनको मना किया था, ये मुकेश छाबड़ा जी को, तो वो बड़े अपसेट हुए थे इस पर. उन्होंने कहा था कि नहीं तुम क्यों करो, तुम एक यंग लड़के हो एंड यू शुड डू इट. फिर उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा कॉल आई थी इसके लिए, ये अनिल साहब की प्रोडक्शन, अनिल कपूर साहब की, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अनिल कपूर साहब का. तो वो मैंने उनको मना किया था, तो मुझे लगा था वो वाली भी नहीं आप बताएंगे. नहीं वो भी नहीं बताऊंगा. वो उसमें ये था कि वो थोड़ी सी बोल्ड बोल्ड कैरेक्टर था वो थोड़ा सा. और मुझे एज सच ऑनेस्टली अगर एज एन एक्टर आप मुझसे पूछें तो जब मैं बोल्ड कहता हूँ तो अगर स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर वो लॉजिकली सपोर्ट होता है उसमें कि ये आपको दिखाना है बिकॉज ये आप एक ईविल ऑफ द सोसाइटी दिखा रहे हो या कोई ऐसी बात है, तो फिर एज एन एक्टर आपके ऊपर कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए वो करने के लिए. बट उस वक्त उस स्क्रिप्ट में मुझे लग रहा था कि वो शायद एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए चीज़ें लिखी गई हैं, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा था. और वो मैंने उनसे कहा था कि यू नो आई एम सॉरी, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने रीच आउट किया, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा. तो एक दिन मुझे अभी याद है, मैं अभी भी शुजात खैबाना शुजात पर चला रहा था और एक 91 से नंबर से कॉल आई. मैंने उठाया, हेलो इज दिस शरिया? यस दिस इज अनिल, यू नो द एक्टर. झकास, मेरा दिल चाह रहा था मैं कहूँ आई झकास, लेकिन मैंने कहा नहीं. मेरे लिए इतना फैन मोमेंट हुआ ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज यू नो आपने अभी तक उनको स्क्रीन पे देखा होता है. ऑफ कोर्स. एंड आई हैड नेवर सीन हिम, मतलब मैंने कभी उनसे बात नहीं की थी. बाद में मुझे बहुत साल बाद वो लंदन में एनिमल्स पे मिले थे, उसकी भी तस्वीर है मेरे पास. फिर मैंने उनको बताया था कि यू नो आप शायद पहचान नहीं रहे, आपने मुझे एक दफ़ा कॉल की थी. सो खैर ही वॉज वेरी स्वीट. उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा देखो मेरा दिल धड़कने दो में जो रोल था वो एक, उन्होंने ये मुझे बताया, उन्होंने कहा कि देखो ऐसे नहीं सोचते एज एन एक्टर कि आपका क्या रोल है क्या नहीं है. मेरा दिल धड़कने दो में छोटा सा रोल था, बट देन यू नो आई रियली केम आउट स्ट्रॉन्ग. तो मैंने अब उनको बता नहीं पा रहा था, बट कि मैं उनको ये बोलना नहीं चाह रहा था कि देखें मुझे जो वो सीन्स हैं उनसे थोड़ा सा मसला है. खैर नहीं भाई, मैंने बहुत पोलाइटली डिक्लाइन किया था, जिस पे वो मुकेश छाबड़ा जी जो है वो बड़े अपसेट हो गए थे मुझसे. और उन्होंने मुझे कहा था कि आज के बाद तुम इंडिया में काम नहीं करोगे. अच्छा. तो उन तो करनी ऐसी हुई कि उनकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसके कुछ महीने बाद कोई भी इंडिया में काम नहीं कर रहा था. बट गुड कॉल फ्रॉम योर एंड, क्योंकि वो शायद आप वैसे भी ना कर पाते जो हालात हो. शायद शायद नहीं, बट कॉल आई थिंक कॉल उसके ऊपर ही बेस्ड थी कि मुझे सिर्फ ये लगता कि ये बहुत बड़े नाम है. इन्होंने मुझे रीच आउट किया और मुझे कहा कि मेरी तो बहुत खुशकिस्मती है कि कोई भी बड़ा एक अदाकार अगर मुझसे मेरे साथ काम करना चाहता हो. लेकिन
जो चीज़ मुझसे की नहीं जाए वो, इसीलिए मैंने ड्रामे छोड़े थे 2013-14 में, कि जब मैं रेडी होता हूँ तब मैं करना चाहता हूँ. और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार तुमने इतने साल कुछ काम नहीं किया और अब जाके तुमने पहली सिनेमा. तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने बहुत काम किया. मैं आसिम रजा स्कूल ऑफ फिल्म में गया हुआ था और मैं वहाँ पे चित्र खा खा के सीख रहा था. अच्छा, बैक टू वो जो सोनम को ब्लोर आप मारे थे. हाँ, तो जब मैं सोनम को ब्लोर मारा था तो तब मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनको बताया था. तो वहाँ पे भी एक जो है ना, मैंने डाकखाना खोल दिया था. तो मैं ये बता रहा हूँ कि ब्लोअर मारने के चक्कर में मैं अक्सर डाकखाना खोल देता हूँ. तो जैसे फिर आप कह रहे हैं कि आसिम रजा स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग में ब्लोअर से लेके एड एक्चुअली डायरेक्ट करने तक आपने सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो जो इंट्रो में वापस मैं जाना चाहूंगा, जो एज अ व्यूअर एक नजर आता है कि यार के शहरी को हमने जिंदगी गुजार में देखा यार, और अब हम पहली सी मोहब्बत में देख रहे हैं यार, व्हाट अ लॉन्ग वे ही इज कम. It's been a very long journey. It's been a very long journey, and then you also, when you look at your the work that you've done, you say, "Yeah, इतने काम तो 9-10 ड्रामे खाली किए हैं, तो ये जो improvement आई है craft में, काम में, acting में, ये कैसे आई? तो उसकी फिर ये वजह सारी, ये जो रगड़ा लगा आपको 9-10 साल. कोई एक वजह नहीं होती. I think वो एक किताब मैंने Outliers मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इस पर 10,000 rule. सुना होगा आपने 10,000 hour रूल, कि कोई भी काम आप बहुत टाइम करते रहें तो 10,000 घंटे अगर कर लें आप वो काम, जी लें उस काम को, तो वो आपको समझ आना शुरू हो जाता है. सो आई थिंक इट वाज ऑनेस्टली इट वाज द टाइम जो मैंने वो, जब मैंने वो बिहाइंड द कैमरा काम किया, जब मैं एक इंटर्न से लेके 4th AD से लेके 3rd AD से लेके इन सारे प्रोसेस जब गुजरा, तो मुझे उस काम की अहमियत समझ आई कि स्क्रीन पर जब आप आते हो ना, तो ये एक लग्जरी है. जो इंसान स्क्रीन पर कैमरा के सामने खड़ा होता है वो एक लग्जरी है. अब उस लग्जरी को हासिल करने के लिए जो 100-150 बंदा पीछे काम मजदूरी कर रहा होता है, उसकी मेहनत भी लगी हुई है आपको कैमरा के सामने लाने के लिए. सो जब आप कैमरा के सामने आके आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तो आप सिर्फ अपने आप को लेट डाउन नहीं कर रहे, आप वो 150 बंदे को भी लेट डाउन कर रहे हो. सो मुझे उसकी अहमियत समझ में आना शुरू हुई. मुझे अब तो खैर फिल्म पर काम नहीं होता, बट फिल्म पर फीता जब चलता था, तो फीते के एक सेकंड की अहमियत समझ आना शुरू हुई, कि इवन क्या अहमियत है कैमरे पे आने की. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आसिम के साथ, मैंने हमेशा अपने हर इंटरव्यू में, और मैं अभी भी कहता हूँ, मैं आसिम को बहुत ज़्यादा इज्जत देता हूँ. मेरे गुरु हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे दोस्त हैं. उन्होंने मुझे, मैंने जितनी ऑनेस्टी से उन्होंने मुझे सिखाया है, उतनी ऑनेस्टी से शायद उन्होंने अपनी बेटी को नहीं सिखाया, क्योंकि उनकी बेटी भी आई थी इंटर्न करने हमारे पास. और ये मैं कह सकता हूँ, यू नो ब्रिंग्स टेयर्स टू माय आईज, क्योंकि वो अपनी बेटी को इतनी, मतलब मुझे लिटरली चितर मार मार के सिखाया है उन्होंने. कोई भी अदाकार अपनी जो अपना फ़न है वो इतनी आसानी से नहीं देता. वो कहते हैं ना, बिल्ली ने शेर को सारा कुछ सिखा दिया, दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया. मैं तो कहता हूँ आसिम ने वो भी सिखाया है, बिकॉज कलर ग्रेड पर बिठाते थे, मुझे बताते थे, कहते अच्छा देखो अब इसका कॉन्ट्रास्ट लो हुआ है, कॉन्ट्रास्ट लो हुआ है तो क्या फ़र्क आ रहा है देखो, तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट सिखाया. बताया कि अच्छा मैं इसमें अगर सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ, मैं ब्लूज़ बढ़ाता हूँ, मैं वार्म्थ बढ़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ, कलर ग्रेड से लेके एडिट से लेके एक एक चीज़ के साथ बैठ के मैं, मतलब उन्होंने लिटरली मेरे साथ बैठ, मैं एडी था, मैं पीछे बैठा होता था, तो वो क्विज करते रहते थे, पूछते थे अच्छा बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है. मुझे अभी भी याद है उन्होंने 180 रूल 2014 में मुझसे पूछा था, जब नया नया मैंने शुरू किया था, उन्होंने कहा था अच्छा मुझे ये काटना है मुझे, तो मुझे 180 रूल समझाओ. सो फिर मैंने जब वो इस तरह के सवाल पूछे, तो मैंने फिर किताबें लेना शुरू की, मैंने पढ़ना शुरू की किताबें, मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ देखना शुरू किया, एक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखना शुरू किए, मैंने रिसर्च करना शुरू की. एक चीज़ में हमेशा मैं अच्छा था, मैं हार्डवर्क में अच्छा था, तो वो मैंने बहुत करना शुरू कर दिया. लेकिन ये आप सब क्यों कर रहे थे? ये वो वाली वो वजह थी कि शुरू की परफॉर्मेंस, वॉज इट समहाउ लिंक्ड टू द टेरिबल एक्सपीरियंस यू हैड ड्यूरिंग जिंदगी गुलजार, एंड व्हेन यू सॉ योर परफॉर्मेंस एंड यू सेड no this is not it, I want to become an actor and I want to prove myself and for that I need to get all this training. Yeah, ye generally aapke andar wo kuch logon mein keeda bhi hota na. Haan, maine jo kaam kiya na, maine jo kaam kiya zindagi mein, maine bahut achhi level pe jaake cricket khela, to district level tak jaake kheli maine. Uske baad mere walid sahab ko bulaya tha, mere teacher ne, abhi bhi yaad hai sir rahil ne, aur kaha tha, a levels ke teacher the, mujhe national bank ki team ne utha liya tha, kaha tha ki main cricket university ke liye khelta a levels ke liye khelta tha. तो मेरे फादर को उन्होंने लिटरली बुलाया था और बोला था कि देखें उसको डोमेस्टिक टीम का ऑफर आ गया है और अब तो इसका क्रिकेट करियर शुरू हो जाएगा. वो डोमेस्टिक खेलेगा, एक मैच खेलेगा, यंग है, 17 साल का है, उसको पेस अच्छी है, इसकी फास्ट बॉलर था मैं, वो नंबर 6 पे आके बैट भी करता था.
तो उन्होंने कहा ये अंडर 17-19 खेल जाएगा, वहाँ से फिर पाकिस्तान खेल लेगा, तो क्रिकेटर वो मुझे बनना नहीं था क्रिकेटर। खैर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो मैंने क्रिकेट भी खेली थी तो मैंने बहुत एक लेवल पे जाके खेली थी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठ के फिर प्रैक्टिस पे जाया करता था, नेट सेशंस किया था, तो ये मेरी आदत है कि मैंने अगर कोई काम करना है मैं जिद की तरह ले लेता हूँ, फिर मुझे उस काम को पूरा समझ के निकलना होता है। मैं कोई भी चीज़ करूँगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मोटर बाइक शुरू की थी मैनी मंथ्स बैक, मुझे नहीं आती थी लेकिन मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए मोटर बाइक चलाई थी तो मुझे मज़ा आ गया था, तो मैंने मोटर बाइकिंग शुरू कर दी, तो इतनी कर दी कि फिर मैं फाइनली हुंजा मोटर बाइक ट्रिप पे चला गया था और वहाँ पे खुदा एक्सीडेंट करके। सो मेरा ये मसला है कि मैं जो भी काम करता हूँ मुझे बिल्कुल कीड़े की तरह घुस के करना होता है, तो मैं एक्टिंग और फिल्म मेकिंग कर रहा था तो मुझे वो बिल्कुल समझना था, मुझे उसको उस पर उबूर हासिल करना था, मुझे मुझे खुशी नहीं हो रही थी कि मैं बस गुजारा वाला काम कर रहा था, मुझे बस गुजारे से काम नहीं करना, ये मसला है मेरा ज़िंदगी में, मुझे कोई भी चीज़ बस गुजारा नहीं करनी होती, मुझे बस घुस के करनी होती है। सो वो ये पूरा टाइम जब मैं था वहाँ पे, आई वॉज लर्निंग, आई लर्न अ लॉट, मैंने और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मुझे फिल्म मेकिंग के प्रोटोकॉल समझ आए। जब आप इवन दो एक इस्टेब्लिश एक्टर, मतलब मैं एक नॉन एक्टर बन गया था, मैं बड़े ब्रांड्स कर रहा था, उसके बाद अगर मैं थर्ड एडी था और मैं मेरे ही एड्स पे बड़े दूसरे एक्टर्स आते थे और मैं उनके झाड़ू पोछे कर रहा होता था, तो दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ, दैट टॉट मी ह्यूमिलिटी दैट आई नीडेड, दैट टॉट मी द इम्पोर्टेंस, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस सिखाई उसने मुझे, और वो बहुत जरूरी था मेरे लिए सीखने। एंड आई थिंक एंड एनी ऑफ दिस पॉइंट डिड यू से कि यार नहीं यार आई कांट डू दिस, मैं इतना अच्छा खासा काम और कुछ ना भी, वो जो हम प्रिविलेज की शुरू में बात कर रहे थे कि इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं आप ऑफ वेल्थ ऑफ एक्सट्रीम वेल्थ, विल से इट अगेन, बट आप जाके सेट के ऊपर ब्लोअर अगर मार रहे हैं या आप पानी सर्व कर रहे हैं या जो टिपिकली काम वो एक्टर होने के बाद लीड रोल्स करने के बाद, तो आपने कहा नहीं कि यार ए लेवल्स तक, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैंने ए लेवल्स तक शायद अपने वालदैन से पॉकेट मनी ली होगी, मैंने ए लेवल्स के बाद एक रुपया नहीं लिया अपने वालदैन से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा रोजगार अल्लाह मियां ने मेरे खुद से किया है, मेरे बाहर गाड़ी, बट खाली पैसे की बात भी नहीं होती ना, एक सपोर्ट की एक बात वो बात होती है कि यार आप जिस अपब्रिंगिंग आपकी होती है, एक सर्टन अगर लाइफस्टाइल के साथ आप सारी उम्र रहे हो तो वो आपके अंदर फिर इनकलकेट हो जाती है चीजें, वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। अगर वो यूज करना होता तो फिर मैं बाहर जाता ना पढ़ने के लिए, मैं आईबी ना जाता, खुद जाके टेस्ट देके आ गया, आईबी का क्लियर करके आईबी में चला गया। ये मेरा दिमाग खराब था बचपन से, मैं लिटिल ब्रदर इज नॉट लाइक दैट, बट मेरा बचपन से थोड़ा सा दिमाग खराब था, आप ऑफ ट्रैक हमेशा जाने का शौक है बहुत ज्यादा बचपन से मेरा थोड़ा सा ना, मेरा बड़ा भाई गॉड रेस्ट हिज सोल वो बचपन में कहते थे कि वो तुम्हें जो है हमने वो डस्टबिन के ढेरे से उठाया था और जब उठा रहे थे तो तुम्हारा सर लग गया था डस्टबिन पे, तो इसलिए तुम्हारे मसले हैं तो वो मुझे बोला करते थे। वैसे बड़ा मेरे साथ जुल्म किया था पता है, ये बचपन में मुझे बोलते थे मेरे बड़े दोनों बहन भाई कि तुम्हें जो है हमने अडॉप्ट किया है और तुम्हें डस्टबिन से उठाया था हमने और उस ज़माने में आई रिमेम्बर कि जब बिल्कुल मैं आई थिंक 2.5-3 साल का बच्चा था, तो उस समय बॉस्निया वॉर हो रही थी, तो बॉस्निया वॉर तो वहाँ पे वो बच्चों की इमेजेस आते थे पीटीवी के ऊपर, तो वो मेरे बहन भाई कहते थे कि कितने प्यारे बच्चे हैं, अम्मी ये वाला वापस करके हम वो वाला ले लें तो मेरे साथ ये किया करते थे। खैर गुड, वो सारा कुछ अब मैं इस्तेमाल करता हूँ एज एन एक्टर, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है, ड्रामे कर रहा हूँ। खैर एनीवे कमिंग बैक, बट आपने फिल्में भी की इस दौरान जी, फिर उसके बाद होमन जहाँ की एंड होमन जहाँ मैंने प्रोड्यूस भी की, प्रोड्यूस की, लेकिन आपने एक सपोर्ट एक जी रोल किया, इसकी क्या वजह थी? मुझे एक्चुअली इनिशली वो वाला रोल करना था जो अदील को, आसिम वांटेड मी टू डू दैट रोल जो जिसको अदील ने किया था, लेकिन मैंने लड़ झगड़ के एक्चुअली मैं तो मेरे अंदर तो मजाल नहीं थी कि आसिम से लड़ सकूँ, अदील ने आसिम से लड़ झगड़ के वो वाला रोल लेने की बात की, तो जब वो लड़ झगड़ रहा था तो मैं भंगड़े डाल रहा था क्योंकि मुझे वो करना भी नहीं था। और क्यों? अरहान का कैरेक्टर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, मसाला था उसमें, मुझे पता था कि मेरे पास मार्जिन है उसमें खेलने का, तो इसलिए। एंड वो जब मिला तो मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैंने रियलाइज़ किया कि जो भी चीज़ आप इन्जॉय करते हैं वो फिर वो नज़र आती है स्क्रीन पे, और उसके लिए मेरी बड़ी तारीफ हुई बिकॉज आई रियली इन्जॉयड दैट। अगेन उसकी पूरी क्या, अच्छा अब जब मैंने इतने साल के बाद जब एक्टिंग असाइनमेंट की तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हुई थी, और इतने कोई मेरे ख्याल से 3 साल से मैं एडी कर रहा था, तो मैंने इतने सारे घंटे देख ली थी डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम करके, लोगों से सीख के, मैंने एक्टिंग सेशंस लिए, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने ये,
सो अब मैंने पूरी कैरेक्टराइजेशन की तरह कैरेक्टर बनाया अपना, अरहान का जो कैरेक्टर था. तो फिर जब मैंने बनाया तो मुझे मज़ा आया एक्टिंग करने में. सो मैंने मैंने बहुत मज़े से काम किया. आई रियली एंजॉयड दैट. मैंने कहा कि यार ये होता है काम, कि जब आप कैरेक्टराइजेशन क्या होती है वो समझें, बैक स्टोरी क्या होती है, स्पाइन क्या है कैरेक्टर का, यू नो ऑल दोज थिंग्स. व्हेन यू वर्क ऑन दोज, उसके आप नुआंसेस क्या डालने वाले हैं, उसकी उसके मैनरिज्म्स क्या डाल. अच्छा, मेरी एक एक बड़ी एक अजीब एक, इसको मैं क्या कहूँगा, एक सिग्नेचर है, 18 के है जो भी बोले, मैं हर कैरेक्टर को ना एक फिजिकल नुआंस देता हूँ जो ज़रूरी होता है. जैसे असलम को मैंने ये दिया हुआ है, आपने नोटिस किया होगा पहली सी मोहब्बत को देखते हुए. मैंने जो 7 दिन मोहब्बत इनमें जो मेरा कैरेक्टर था वो ये करता था जब भी वो एक्साइट होता था. ये अच्छी बात है. सो ये अच्छी बात है, बिकॉज वही वाली बात है हमारे एक्टर्स. हाँ, शायद फिर ये वजह है जो आपने शुरू में बात की कि उनको कोई बताता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, उनको ये चीजों का ख्याल ही नहीं होता. अक्सर हम एक्टर्स को देखते हैं जो एक ड्रामे से दूसरे ड्रामे से तीसरे ड्रामे, लुक तक नहीं उनकी चेंज होती. एंड नाउ विल कम टू ऑफ कोर्स पहली सी मोहब्बत. हमने जब पहली किस्त में असलम को देखा, देख के लगा कि ये असलम ही है. एंड आई मैसेज यू आल्सो एंड आई लाइक यार you're looking younger than what you looked in Zindagi Gulzar hai. How did you achieve that? तो एक जो आप बात कर रहे हैं कि एक एक्टर के लिए एक कैरेक्टर को बिल्ड करना, कैरेक्टराइजेशन जो जिस बला का नाम है जो कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट प्रोसेस एंड फॉर यू टू क्रिएट असलम, कितनी एफर्ट लगी, क्या ये प्रोसेस था, कैसे शुरू हुआ, पहली सी मोहब्बत कैसे आया, अब ऑन टू पहली सी मोहब्बत. पहली सी मोहब्बत में आते हैं. पहली सी मोहब्बत इस तरीके से आया कि मुझे अब्दुल्ला ने बहुत टाइम पहले बोला था कि तुम मेरे लिए एक क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, प्ले करेंगे. तो मैंने अब्दुल्ला से दोस्ती भी थी, मैंने बात की थी, मैंने कहा हाँ यार मैंने बहुत सालों से नहीं किया टेलीविजन और मुझे करना है. दिस इज परे हट लव जब शूट हो रही थी. और उस वक्त दिमाग में अब आपका था कि यार टीवी पे वापस, अब इतनी ट्रेनिंग सीख ली है, इतना समझ लिया, आपकी फिल्में भी कर ली, अब मेरे ख्याल में टीवी में वापस जाना चाहिए. इस तरीके कॉन्शियसली था या नहीं? इस तरीके से नहीं सोचा था मैंने. मैंने ये सोचा था कि यार मैंने टीवी को कभी एंजॉय नहीं किया, क्योंकि उन दिनों मैं एंजॉय नहीं कर रहा था, और अब मुझे एक्टिंग को मैंने एंजॉय करना शुरू कर दिया था. तो मैंने कहा था यार अब मैं उसको भी जाके एंजॉय करना चाहता हूँ, सो दैट आई हैव अ बेटर मेमोरी ऑफ वर्किंग ऑन टेलीविजन. एंड टीवी इज अ डिफरेंट क्राफ्ट ऑल टुगेदर. टीवी की एक ऑडियंस तो अलग है ही, इसको शूट करने का तरीका भी अलग है, उसकी अदाकारी भी अलग है. और खैर एनीवे, सो जब वो परेहट लव निकल गई तो उसके बाद फिर कॉल आई अब्दुल्ला की मुझे एक दिन, काफ़ी टाइम बाद. उसने कहा कि याद है मुझे वादा किया था, तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई हुई है. तो मैंने कहा श्योर, सेंड इट अक्रॉस. तो ही सेंड इट अक्रॉस और मैंने पढ़ना शुरू की. मैंने और मेरी मैनेजर ने हम साथ पढ़ना शुरू की. एंड अबाउट 5-6 एपिसोड्स इनटू इट, मुझे मैं अक्सर जो है स्क्रिप्ट को इस तरीके से उठाता हूँ कि अगर मुझे गूज़बम्स आते हैं पढ़ते हुए, तो उसका मतलब मेरी बॉडी नेचुरली रिएक्ट कर रही है, मतलब वो एक्साइटमेंट हो रही है. सो वो मुझे आया और मुझे ये समझ आ गया कि इस कैरेक्टर में बहुत कुछ है जो मैं कर सकूंगा. आई कैन प्ले विद दिस कैरेक्टर, क्योंकि वो सीधा साधा तो नहीं है ना, उसको जब कमीना होता है तो वो दोस्त के साथ कमीना भी होता है. शुरू में कमीना भी था, मैंने उसको ग्रे प्ले किया बहुत. शुरू में उसके मॉरल्स बहुत डिफरेंट हैं, अगर आप देखें वो झूठ भी बोल रहा है, वो कंपल्सिव लायर है शुरू में. जब भी उसे पूछता है कि ये तुम ऊपर छत पे, छत नहीं मैं छत पे तो नहीं था, तो वो तो शुरू ही से करता था इफ यू रिमेंबर. सो वो एक कंपल्सिव लायर भी था शुरू में. तो उधर से उसकी जर्नी टू बिकम अ हीरो वो मुझे एक्साइटिंग लगी, क्योंकि मुझे अरहान में भी एक्साइटमेंट लगी थी. मुझे ग्रेस खेलने में बहुत मज़ा आता है. सो खैर एनीवे, सो वो मैंने कहा कि मैं करूँगा. तो जब फिर मेरी और अब्दुल्ला की और अंजुम की मीटिंग हुई, हम तीनों की मीटिंग हुई कि अब हम इस पर क्या करेंगे, तो फिर हम सब ने बैठ के एक एक छोटी सी डायरी में ना अपनी विश लिस्ट बनाई है फैक्टर्स, कि हमें किस किस के साथ काम करना है. तो फिर उसके बाद फिर हमने वो कंपेयर की. राबिया बट वाज ऑन माय विश लिस्ट, आई कैन से दैट ऑन बोथ अंजुम एंड माय बोथ ऑफ अस. वाज माया आल्सो ऑन योर विश लिस्ट? आई हैड जस्ट वर्क्ड विद माया. माया इज अ वंडरफुल एक्टर एंड आई वुड लव टू वर्क विद माया, बट मुझे सिर्फ ये था कि अभी हमने परे हट लव की है. आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन अभी, आई इंटरव्यूड हर रिसेंटली एंड शी सेड के यू बोथ डिक्लाइंड. पहली सी मोहब्बत एट वन पॉइंट एंड यू बोथ थॉट दैट यू वर नॉट डूइंग. नो, आई वाज ऑलवेज डूइंग इट. So she was not on board at that time. So us waqt hua kya ke Abdullah really wanted Maya on board and JJ really wanted Maya on board. So unhone mujhe bola ke is tarike se Maya ko lena chahte hain. Maine kaha ki mujhe sirf ye hai ki humne abhi Pare Hat Love ki hai and I think for both of us, dekhen ek artistic aapki integrity hai na,
उसको भी आपने यू हैव टू बी फेयर टू दैट एज वेल एज एन एक्टर आई शुड बी एबल टू वर्क विद डिफरेंट पीपल एज वेल सो और जनरली मुझे वो एक कपल वो जो है ना वो एक मुझे लगता है वो एक इंडिविजुअल एक्टर की डेथ है वो बट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा प्यार लोगों का होता है उन्होंने एक मायार और सानियार इस तरह के नाम शुरू कर दिए जो फैंस हैं उन्होंने फैन पेजेस बनाए एंड ऑल ऑफ दैट सो इट्स वेरी स्वीट बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू डू जस्टिस टू शरियार एज एन एक्टर शरियार जो एक एक्टर है अदाकार है उसके साथ मैं इंसाफ करूँ तो मुझे ये था कि मैं उससे थोड़ा सा निकलूँ बाहर बट फिर ये हुआ कि फिर जब माया को उन्होंने स्क्रिप्ट माया को भी अच्छी लगी स्क्रिप्ट तो फिर मैंने कहा नहीं यार ठीक है माया ऑल्सो लाइक्स इट तो फिर लेट्स डू इट बिकॉज ऐसे कोई मतलब दुश्मनी तो नहीं है ना मतलब बस ये था कि एक आर्टिस्टिक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको उससे थोड़ा सा बाहर निकलूँ बट माया थी तो एक कम्फर्ट जोन था मैंने कहा ठीक है तो अभी भी काम किया एंड इट विल बी फाइन मज़ा आएगा और वो भी फिर उसके बाद एक एक करके सारे आते गए फिर उसके बाद फिर मैंने अब्दुल्ला से बोला कि मुझे 2 महीने दे दें मुझे 3 महीने दो महीने दे दें मुझे इसकी इस पर काम करना है तो फिर मैंने अपना फिर कैरेक्टराइजेशन का काम शुरू किया उसकी वार्डरोब एक एक चीज़ मैंने डिफाइन की अगर आप ये आपने खुद किया सब जी बिल्कुल मुझे बहुत शौक है राहुल खान वॉज माई स्टाइलिस्ट बट मैंने एक एक चीज़ ऐसे उसके इवन जो उसकी मैंने प्रॉप्स उठाए हुए हैं उसके इन द सेंस की जो मैंने एक्सेसरीज डाली हुई हैं वो एक हर एक्सेसरी की स्टोरी है जो गले में वो लॉकेट पहनता है अल्लाह का उसकी भी एक स्टोरी है अल्लाह के लॉकेट की वो अल्लाह की लॉकेट क्यों पहनता है यू नो बिकॉज अगर आप देखें तो एक रिलीजियस अंडरटोन है पूरे ड्रामे का और एक आप वो वाली बात कर रहे हो कि यार एक खुदा से जो आपका लिंक है सो यू नो खुदा तो मोहब्बत की जुबान बात करता है यू नो दैट्स व्हाट ही टॉक्स अबाउट कि गिव लव एंड गेट लव खैर एनीवे डिफरेंट रीजंस तो इसलिए उस पर अगर आप देखेंगे कि अल्लाह का लॉकेट भी है उसका दैट्स अ सेपरेट कमेंट्री ऑन अकरम्स कैरेक्टर एनीवे सो उसकी इतनी इन डेप्थ ये सारी चीजें मेरा शौक है मुझे बहुत मजा आता है ये करने में उसके चलने का अंदाज असलम का मैंने बनाना था वो किस तरीके से बात करता है वो क्यों बात करता है वो क्या देखता है वो अगर कराची में रहता है तो वो देखता क्या है उसके बिलीफ स्ट्रक्चर क्या है वो क्या हाउ ओल्ड इज असलम असलम इज अबाउट 23 बिकॉज एक तो ये लिबर्टी मुझे इसलिए लेनी पड़ी कि वो 22-23 का इसलिए है क्योंकि 1-1.5 साल वैसे भी इस छोटे घर के जो मतलब ऐसा होता है आप जब उस तबके से आते हो तो 1-2 साल वैसे भी ऊपर नीचे हो जाते हैं आपके और मैंने उसको प्ले किया है 23 साल की लड़की की तरह 23-24 साल की लड़की की तरह एंड ऑब्वियसली वो हैदराबाद से कराची भी मूव हुआ थोड़ा 1 साल उसमें भी ज़ाया हो गया उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात मैनरिज्म होती है आपकी अगर आप देखें तो एक फिल्म आई थी द ग्रेजुएट उसमें डस्टिन हॉफमैन है वो इज प्लेइंग एन 18 ईयर ओल्ड व्हेन ही वाज 32 तो मैं तो फिर भी 23 साल का प्ले कर रहा हूँ बट अगर आप उसको देखें तो कन्विंसिंग क्यों है क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज वो है सो एज एन एक्टर ये तो आपका काम है और बॉडी लैंग्वेज देखें सतही तौर पे आप नहीं कर सकते कि मैं बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दूंगा वो इंटरनल क्यूज होते हैं जो डिफाइन करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को एक यंग लड़का जो होता है वो खुला डुला क्यों होता है क्योंकि उसका मिजाज भी खुला डुला होता है क्योंकि उसकी सोच चीज़ों पे खुली डुली होती है वो इतना सोचता नहीं है चीज़ों पर जाने देता है इसलिए वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आना शुरू होता है खैर एनीवे कमिंग बैक उसकी कैरेक्टराइजेशन पर काम किया मेरे एक एक्टिंग कोच हैं सुनील उनके साथ काम किया मैंने ही वॉज वेरी यू नो वेरी काइंड थ्रू द प्रोसेस और उसके अलावा मैंने अगर आप कलर पैलेट देखें उसके जो कपड़ों का है आप देखेंगे शुरू में वो कितने शोखे रंग पहनता है और अभी अगर आप देखें तो मैंने उसका पूरा कलर पैलेट जो है वो ट्रांजिशन किया है फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टिल द एपिसोड अभी तक आप जो आए होंगे तो उनके आपके कलर्स का एक चेंज देख रहे होंगे इज गोइंग टूवर्ड्स द डार्कर टोन्स नाउ और वो शलवार कमीज में आता जा रहा है क्योंकि वो एक और अगर आप देखें तो मैं जो पिछली एपिसोड आपने देखी होगी तो उसमें तो मैं अंडर आइज भी कवर करके नहीं गया मेरे हॉलोज नज़र आ रहे होंगे आपको ये लाइनें नज़र आ रही होंगी ये जानबूझ के मैं करता था क्योंकि वो एक पूरी जर्नी नज़र आनी चाहिए एक कैरेक्टर की एक वो हसमुख लड़का जो पहली एपिसोड में एक वो रंगीन जैकेट पहन के वो उसका मिजाज था एक्चुअली जो वो जैकेट पहनता था वो उसका मिजाज था वो रंगीन मिजाज आदमी था सो वहाँ से अब अगर वो इस पॉइंट पर पहुँचा है तो कोई डिफरेंस तो आया होगा ना उसके चलने फिरने में उसके कपड़ों में उसके चलने में डिफरेंस आ गया अगर आप देखें वो चलता कैसे था शुरू में पहली एपिसोड में तो वो चौड़ा होकर चलता था अब अगर देखें तो इज गॉट ड्रूपी शोल्डर्स ठीक है उसके बोलने के अंदाज में फ़र्क आ गया है वो जो पहले खड़ा बोलता था यहाँ से बोलता था अब वो यहाँ पे बोलता है अगर आप देखें वो जिस तरीके से बात कर रहा है
उसकी उसकी हरकतों में डिफरेंस आ गया. जो नुआंसेस मैंने शुरू में डाले थे कि मैंने उसको एक कंपल्सिव लायर बनाया था, अब वो सच्चा होता जा रहा है. बट अगर झूठ भी बोलता है तो वो हक के लिए झूठ बोल रहा है, लड़की के लिए खड़े होकर बोल रहा है. सो उसकी पूरी एक जर्नी हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है. वो एक बच्चे से और एक नॉर्मल इंसान से वो एक हीरो बन रहा है. तो जब वो होना होता है तो पहले वो टूटेगा. कोई भी चीज़ जो होती है वो पहले टूटती है और उसके बाद फिर वो पकती है. सो वो मैं उस तरीके से प्ले कर रहा था उसको. शेयर इज ऑब्वियसली नॉट अमंग्स दोज एक्टर्स जो सेट पे गए स्क्रिप्ट, अच्छा ये आज की चार लाइनें बोली और घर आ गए. नहीं, मुझे सर्टेनली नॉट. मुझे पूरी स्क्रिप्ट रटी हुई होती है, सिर्फ अपनी नहीं अगले बंदे की भी याद होती है लाइनें. और ये आप मेरे किसी भी डायरेक्टर से पूछ लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपको मैं अंजुम से पूछ लीजिएगा ये सवाल आप, या आसिम से पूछ लीजिएगा, मेरे को एक्टर से पूछ लीजिएगा, मुझे उनकी लाइनें याद होती हैं. जब वो भूल रहे होते हैं मैं उनको याद करा देता हूँ. अच्छा थोड़ा सा अगर हम प्लॉट की बात करें, आपको लगता नहीं है कि अभी हम जिस स्टेज पे हैं, ड्रामा जिस स्टेज पे है, थोड़ी कहानी रुक सी गई है, कुछ हो ही आगे मूव जो हम बैंग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये बैंग आएगा आएगा आएगा, वो बैंग अभी तक आ ही नहीं था, या अब तो हमें ये सोच में पड़ गए कि वो पता नहीं बैंग है भी या नहीं. एक्चुअली पेस रुकी है, और वो इसलिए रुकी है क्योंकि जो अब होना है सब कुछ वो होना तो है ना, एक ट्रांजिशन होना है जब वो उस बैंग पे जाएंगे जो आप बोल रहे हैं. तो बैंग आना है. सो वो आएगा, आएगा बैंग आएगा आपके, लेटर आएगा काफी अगर आप एक्सपेक्ट इसके भी लेटर आएगा. हाँ वो बट अच्छी खासी चार एपिसोड होंगी उस बैंग में. आप अगर जो पूछना चाह रहे हैं मैं आपको बताऊं कि वो आपको वो बैंग है क्या, वो उस पे पता नहीं हम जा, तो आप, जा नहीं सकते उस. तो वो आपको 3 या 4 एपिसोड्स मिलेंगी बैंग के बाद. ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको पूरे ट्रांजिशन के बाद मिलेंगी. लेकिन अभी जो हो रहा है उसको होना जरूरी है कहानी के लिए. कैन वी टॉक अबाउट द बैंग और नो? Surely I will. I think मैंने तो उसके बारे में बात भी की है कि there will be a time lapse. That is the big bang. There will be a time lapse and obviously एक कहानी एक point पे खत्म होगी और फिर वो आगे जाके फिर दूसरे point पे फिर से शुरू होगी कहानी. So ये है. लेकिन अभी जो हो रहा है वो उसके होना जरूरी इसलिए है क्योंकि मैंने वन ऑफ द रीजंस ये जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वो इसलिए था, मैं उन पागल एक्टर्स में जो सिर्फ मैंने जैसे बताया मैं सिर्फ अपने सीन्स नहीं पढ़ता, मुझे हर किसी के कैरेक्टर को पढ़ना होता है. सो एज अ प्रोजेक्ट मुझे बहुत मजे का इसलिए लगा बिकॉज मेरा फेवरेट कैरेक्टर राबिया भट्ट का कैरेक्टर था, नरगिस का कैरेक्टर. माई मैनेजर सेटिंग ओवर देयर और ये बैठी हुई, मैंने उनको यही बोला था कि यार मुझे नरगिस, अगर मैं लड़की होता तो मैं नरगिस, मतलब यू नो आई वुड वांट टू प्ले नरगिस. फैंटास्टिक कैरेक्टर एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय राबिया. फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. सबसे मजे की बात यह है कि राबिया ने उसको अनअपोलोजेटिकली किया है एंड दैट्स शोइंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ नरगिस. तो वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, वो मुझे करने का बहुत शौक था. मुझे सो जैनब के कैरेक्टर के भी बहुत इंटरेस्टिंग शेड्स हैं जो अब आपको आगे नजर आएंगे. आई नो इट्स बिन अ स्लोअर कैरेक्टर एंड अगर आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था देखने में तो इमेजिन करें कि उज़्मा के लिए वो प्ले करना कितना फ्रस्ट्रेटिंग था. शी इज अ वंडरफुल एक्टर उज़्मा हसन. खैर एनी वे, सो अभी जो द रीज़न आई पिक्ड इट अप वाज बिकॉज बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स हैं. अब वो सिकंदर जैनब का ट्रैक शुरू हो गया और नरगिस और फारूक का ट्रैक शुरू हो गया अगर आपने देखा होगा. बट हम तो मेन ट्रैक्टर हैं असलम और. बट ये जो ये क्यों हो रहा है क्योंकि एक होलिस्टिक कमेंट्री है ऑन पहली सी मोहब्बत बाय फायजा इफ्तिखार. अगर आप देखें तो सबकी ये पहली सी मोहब्बत है ना. उज़्मा की एक पहली सी मोहब्बत थी जो नाकाम जा चुकी है. नरगिस की पहली सी मोहब्बत है जो नाकाम हो रही है. मेरी पहली सी मोहब्बत है जिसके पता नहीं इम्कान नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. तो खत्म ही हो गए. सो कुछ है या तो कुछ एक और बैंग मिनी बैंग आने वाला है बीच में, वो एक अलग बात है. और तो ये अगर देखी जाए तो ये एक फायजा इफ्तिखार की कॉमेंट्री है ऑन द होल आइडिया ऑफ पहली सी मोहब्बत. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर. और सिकंदर की भी पहली सी मोहब्बत है, इसी तरीके से वो फारूक जो कर रहा है उसकी भी पहली सी मोहब्बत है. और अकरम की ये ड्यूटी है कि किसी की पहली मोहब्बत परवान ना चढ़े, मतलब मेरी और कम से कम दूसरी मोहब्बत तक ये बात पहुंचे, मेरी पहली पे ना हो. मेरी और शेरू की 2 दिन पहले इसी बात पे गुफ्तगू हो रही थी कि अकरम की बैक स्टोरी क्या है. तो मैंने बैठ के उसको बताई तो उसको नहीं अच्छी लगी मेरी बताई हुई बैक स्टोरी, वो मैं आपको ऑफ कैमरा बाद में बताऊंगा. तो उसने कहा तुमने मेरे कैरेक्टर के लिए बैक स्टोरी क्यों बनाई? मैंने कहा मैंने तो सब कैरेक्टर्स के लिए बनाई हुई है. सबकी बनाई मैंने तो सबकी बनाई हुई है. सो मैंने कहा बाय द वे मैंने आपकी भी बनाई हुई है, मैं आपको बताऊं क्या थी. तो खैर एनीवे, सो उसमें हमारी डिस्कशन हुई कि अकरम ऐसा क्यों है. तो मैंने एक पूरी बैक स्टोरी बनाई हुई है उस पर जो कि मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊंगा. अच्छा चलिए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था. हमारी इसके बारे में वेगली एक बार बात भी हुई थी. ये गुड लुकिंग एक्टर होना कोई कर्स भी होता है इसका कुछ? तो गुनाह है सर. मैं इसका सवाल का मैं थोड़ा एक्सपैंड इसलिए कर दूं, आपकी परफॉर्मेंस आप अच्छे एक्टर हो ही नहीं सकते अगर आपको आपकी थोड़ी बहुत डिसेंट शक्ल है
तो आप अच्छे एक्टर हो ही नहीं सकते, आपको एक्टर बनने के लिए डबल ट्वाइस एज हार्ड काम करना पड़ेगा। मतलब आप जैसे डिकैप्रियो को ऑस्कर जीतने के लिए मतलब रेवेनांट करनी पड़ गई, मतलब बेचारा घोड़े के अंदर जाके सोना पड़ गया घोड़े के मेरे अंदर को। जाके सोना पड़ गया, 1.5 साल बेचारा अलास्का से निकला नहीं, वहीं पे बैठा रहा बगैर लाइट के शूट की पूरी फिल्म। क्या कुछ करना पड़ा कि उसको ऑस्कर मिल जाए, डैनियल डे लुइस को हर दफा मिल जाता है। जो कि डैनियल डे लुइस साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, और मैं बहुत बड़ा उनका फैन हूँ, लेकिन जस्ट टू टेल यू बिकॉज आई एम बिग डिकैप्रियो फैन एज वेल। वो एक अनफॉर्चुनेटली चीज है। क्योंकि जब और ये पहली से नसीर साहब ने भी बोली थी, आपको पता है नसीरुद्दीन साहब ने ये बात बोली थी कि इट्स इजियर क्योंकि आप रिलेटेबल होते हो। जब आप एक अगर आप कहें कि अगर आपकी एक एवरेज लुक्स है तो आप ज्यादा रिलेटेबल हो, तो आप आराम से वो काम कर जाते हो। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा कि अक्सर कद में जो लंबे लोग होते हैं वो बदतमीज नहीं होते, क्योंकि वो बदतमीज हो नहीं सकते, क्योंकि अगर वो लंबे भी हों और फिर बदतमीज भी हों तो लोग तो उनसे बात ही ना करें। बदतमीज लोग अक्सर छोटे कद के होते हैं, अगर आपने देखा हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वैसे। बट आप सोचें, आप अपने दिमाग में सोचें, जो सारे तेज लोग होते हैं, मुंह के फायर होते हैं, जो सारे हाँ, बदतमीज, वो सारे छोटे कद के बिकॉज होते दे हैं। हैव टू कॉम्पनसेट फॉर द नहीं, हाँ, वन इज दैट रीजन एंड द अदर रीजन इज यू लेट देम गो। जब वो मुंह के फायर भी होते हैं तो आप उससे नाराज नहीं, अपसेट नहीं होते, आप दिल पे नहीं लेते, तो वो काफी बच जाते हैं ये काम करके। यही कॉन्सेप्ट होता है एक्टिंग में। अगर वो जो थोड़ा सा डिसेंट शक्ल में बंदा हो, अगर वो इतनी भी कम एक्टिंग कर दे तो आप उसको माफ़ ही नहीं करते कि ये तो है शक्ल की वजह से यहाँ आया हुआ है और ये वो वगैरह। और पहले ही आप पहले ही उससे केयरफुल होते हो कि हाँ भाई क्या बोलना है तुमने, यू नो व्हाट आई मीन। जब पहली सी मोहब्बत शुरू हुआ मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही थी, हमने अपने रिव्यूज़ में भी बात की, और ऑल ऑफ अ सडन कमेंट्स आना शुरू हो गए, बायस्ड 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 रिव्यू बायस्ड। मैंने कहा मेरा क्या बायस, मैं तो शहरी को मिला हूँ कुछ साल 1.5 साल, मेरी आपकी कोई मुलाकात, वी डोंट पार्टी टुगेदर, वी हमारी डोंट मीट लास्ट परे हट ऑफन, लव पे ही आई थिंक परे हट उसकी लव प्रेमियर के प्रेमियर पे मैंने पे जो आपको 1.5 साल जब भी पहले। डाली वो जेन्युइन एक थी, मुझे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी, मैं उसके बाद आपसे नहीं मिला, और परे हट लव के लिए मैंने आपको आखिरी एक इंटरव्यू किया था, उसके बाद बिल्कुल मैं अब आपका इंटरव्यू कर रहा ऐसे हूँ। ही है। सो मैं सिर्फ एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा यार ये व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे की परफॉर्मेंस मुझे एक्टिंग अच्छी लग रही है, और आगे से ये भी नहीं कि नहीं यार मुझे नहीं पसंद आ रही, कुड हैव बीन वही बेटर, आर्टिस्टिक ये भी होने के, नहीं, बट ये नहीं, इसको तो एक्टिंग आती नहीं है, बट ही कांट एक्ट, ही डजंट नो हाउ टू एक्ट, नहीं, यू आर, तो वो जो एक्सट्रीम रिएक्शन है क्या उसकी वजह ये है कि बिकॉज ओके ही इज अ गुड लुकिंग मैन? आई आई डोंट नो हसन, व्हाट मे बी इट इज द थिंग्स दैट आई डिड इन द बिगिनिंग, बट ऑनेस्टली दीस थिंग्स अब अलहमदुल्ला स्टॉप बॉदरिंग मी एज मच, बिकॉज कला मेरे मानना है कि ये खुदा का अक्स होता है, तो वो कभी आता है कभी नहीं आता। मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ जितनी पहले करता था, अभी पहली सी नहीं, बट मोहब्बत ऑब्वियसली कुछ आपकी परफॉर्मेंस में फर्क तो बहुत है ना, अभी कोई ये तो नहीं कह सकता कि जिंदगी गुजारे वाला शहरी पहली सी मोहब्बत वाला शहरी इज द सेम पर्सन। इट्स बीन मेनी इयर्स ऑफ हार्ड एंड वर्क। इवन परे हट लव में अगर आपके कैरेक्टर की बात करो, फिर पहली सी मोहब्बत में बात करें, हर असल प्रोजेक्ट के साथ आप सो बेहतर से बेहतर परफॉर्म। इट्स अ बिट ऑफ दैट, बिकॉज मेरी एक पूरी कैथार्टिक जर्नी रही है, इट्स अ बिट ऑफ दैट। बट एट द सेम टाइम मतलब ये तो अनफॉर्चुनेट बात है, बट सच बात है कि अगर आपकी शक्ल थोड़ी बेहतर है तो आप तो अच्छे एक्टर हो ही नहीं सकते। बस ये मानी हुई बात है कि भाई वो कैसे हो सकता है एक्टर, वो तो अच्छी शक्ल का इसलिए करता है ड्रामे, यू नो। इट्स वेरी, खैर द लोगों का परसेप्शन है, मैं इसको नहीं बदलूंगा। बट अब आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे बट एवेल्यूएट हसन, करते? ये चीज़ सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं है, ये फिल्मों के साथ भी है। अब मतलब कोई अवार्ड्स हुए हमारे, मैं नाम नहीं लेता उनके, एवरीबडी नोज एक सर्टन अवार्ड्स हुए जो बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल अवार्ड्स हुए। एक फिल्म है जिसने टोटल बिजनेस किया 3 करोड़, ठीक है, मतलब 3 करोड़ अगर फिल्म ने बिजनेस किया है तो मतलब उसको उससे ज़्यादा लोगों ने तो नहीं देखा होगा ना, वट एवर नंबर मैथ कर ले कोई कि कितने, 500-700 रुपये की अगर सीट है तो 3 करोड़ को डिवाइड करे, इससे ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। एक अवार्ड है जो पॉपुलर वोट का अवार्ड है, ठीक है, एक फिल्म है जिसने 25 करोड़ किए हैं, ठीक है, तो 25 करोड़ की अगर एक फिल्म है और एक 3, अब मैं एक्टिंग पे आ ही नहीं रहा, मैं पॉपुलर अवार्ड पे आ रहा हूँ, ठीक है, आप तो क्रिटिक्स अवार्ड की भी बात नहीं कर रहे, आप पॉपुलर मैं अवार्ड। पॉपुलर अवार्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो तो यहाँ जाएगा ही जाएगा ना, वो तो यहाँ जाएगा ही जाएगा। और अगर वो नहीं जाता और फिर इस पे जाता है तो फिर आप सोचते हो, फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो। मैं कहता हूँ अच्छा चलो ठीक है, आपने कहा परफॉर्मेंस अमेजिंग थी, आर्ट लोगों को समझ में नहीं आता, बट देन क्या है, मतलब अगर लोग देखना नहीं चाह रहे, 3 करोड़ अगर फिल्म ने बिजनेस किया है तो उसको फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये, जस्ट बिकॉज अगर एक फिल्म जो है उसमें आपने
गंद दिखा रहा हो, उसमें कोई चीज़ टेढ़ी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो वही आर्ट है। मतलब मैं आपको नरेट करता हूँ ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बड़ी, मैं बाद में आपको इन खातों का नाम बताऊँगा। एक बड़ी हमारी इंडस्ट्री की मूवर एंड शेकर, शेकर्स में से आती हैं खातून, वो उठी एक इस एक इसी फिल्म के प्रेमियर के बाद, वो उठी ऊपर खड़ी हुई, और अभी इस प्रेमियर के लिए सिर्फ सारे दोस्त आए ना, क्योंकि अब तो हमने बाहर से लोग बुलाए ही नहीं है, हमने बुलाए सिर्फ दोस्त हैं। और वो खड़ी हुई और उन्होंने फिल्म पूरी देख ली है, समझ आई नहीं है, बाउंसर की तरह, शोएब अख्तर की बाउंसर की तरह सर के ऊपर से गुजर गई है, लेकिन अब देखना है कि रिएक्शन क्या दूँ मैं। तो वो खड़ी हुई हैं, उन्होंने पहले यूँ देखा है, फिर उन्होंने यूँ देखा है, फिर उन्होंने इर्द गिर्द देखा है। तो आगे से एक और साहब हैं जिनका मैं नाम बताऊंगा, वो खड़े हो गए, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। अब सारे दोस्त खड़े हो गए, ओह व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म। तो इन्होंने इधर देखा, इन्होंने देखा और कहा, आई थिंक इट्स अ गुड फिल्म, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फिल्म, इट्स अ ग्रेट फिल्म, इट्स अ वंडरफुल फिल्म। ये ट्रांजिशन मेरे सामने हुआ है, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे तो जो क्रिटिक्स जो बैठते हैं, जो इन्हीं अवार्ड शो के, मैं आपको जूरी का बताता हूँ सर, जूरी में लोग बैठे होते हैं जिन्होंने फिल्म नहीं देखी होती, उनसे पूछो कि कोई अगर बंदा बात करता, नहीं आपने देखी थी परफॉर्मेंस, नहीं मैंने गाने देखे हुए हैं उसके, आपने गाने देख के जूरी में बैठ के फिल्म का डिसीजन ले रहे हैं आप गाने देख के किसी की एक्टिंग की बात कर रहे हैं, और अगर गाने देख के ही बात करें तो मुझसे बेहतर तो कोई डांस करता ही नहीं। मतलब आई एम सॉरी बट होमन जहाँ, मतलब मैंने शकरमंडा में इसमें जो डांस कर दिया है हाय दिल बेचारा में, उस तरीके से तो मेरे ख्याल से आई एम सॉरी बट कोई और तो मुझे परफॉर्मेंस ला के दे वैसी, अगर गाने देख के ही आपने अवार्ड देने हैं। सो ऐसे तो लोग जूरी में बैठे होते हैं, और ऐसे लोग क्रिटिक्स होते हैं जो दूसरों को देख के कूल लोग क्या कह रहे हैं किसी फिल्म के बारे में, फिर हम वो कहेंगे ना। सो अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ सीधी होगी तो वो तो हमें कभी कूल लगेगी ना ना, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम तो ड्राइंग रूम में बैठ के डिसाइड करेंगे अ फेट ऑफ अ फिल्म दैट हैज़ अ ईयर एंड अ हाफ वर्थ ऑफ मेहनत इन टू इट, अबाउट 500 पीपल इन द मेकिंग ऑफ दैट फिल्म, आई डोंट नो हाउ मच मनी एंड हाउ मेनी ड्रीम्स हैव गॉन इन टू दैट फिल्म, लेकिन हम ड्राइंग रूम में बैठ के तीन लोगों के साथ ओवर अ कैजुअल कप ऑफ टी और बोलेंगे, यू नो मेरे ख्याल से स्क्रीन प्ले में मसला था। स्क्रीन प्ले की स्पेलिंग आती है आपको? आपको स्क्रीन प्ले का मतलब पता है? आपको कैरेक्टराइजेशन का मतलब पता है? आपको बीट का मतलब पता है? आप क्या बात कर रहे हो? आप फैशन फोटोग्राफर, आप फिल्म की जूरी में बैठे हुए हो? आप कपड़े बनाते हो, आप एक बंदे की एक्टिंग के बारे में बात कर सकते हो? भाई अगर मैं कपड़ों के बारे में बात करने के लिए आऊँ ना, तो मैं तो बहुत धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि खैर एनीवे दैट्स। बट अब आप अपनी परफॉर्मेंस को अब कैसे एवैल्यूएट करते हैं? जैसे पहले आपको पता था मैं अच्छा, सॉरी ये मेरा सारा पीस जो है ना वो एक्ट खत्म हो गया, क्योंकि ये एक एक्टर के अंदर की जो है ना बिटरनेस निकल आई। ठीक है, फेयर इनफ। बट अब व्हेन यू लुक एट योर वर्क एज पीपल आर वेरी, यू नो, पीपल आर वेरी वेरी ब्रूटल, यू नो, एंड व्हेन इट्स फेयर हसन आई टेक इट ऑन द चिन, आई वांट टू टेक इट ऑन द चिन, दैट्स ऑलवेज बीन माय फिलॉसफी। आई कम फ्रॉम फोर्सेस फैमिली, माय फादर्स इन द फोर्सेस, been brought up to be very like take it on the chest, take it on your chin kind of a way. So I mujhe ghuma phira ke cheez nahi chahiye thi, main blunt insaan hu, main bluntly bolta hu aur main jawab bhi bluntly chahta hu. So I feel criticism I've always taken on the chin and I've always wanted to improve from it, but after a certain point it just starts to get negative, after a certain point it is just sadistic, you know what I mean? Are you talking about criticism that you're getting for Aslam? I mean, you got for Pare Hat Love? Yeah, I mean, आप मेरी परे हट लव का एक कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना, मैं अपने आप को कोई बड़ा एक्टर नहीं मानता, खुदा मुझे माफ़ करे, अल्लाह मियाँ माफ़ करे, अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करे, जितना कुछ है वो मेरे उस्तादों ने सबसे जूते खा खा के थोड़ा बहुत मैंने करना शुरू किया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे कोई दो कैरेक्टर्स को आप कंपेयर करके उठाएं तो आपको सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। आप मेरे सारे कैरेक्टर्स उठाएं, आप मेरे कोई कैरेक्टर, मुझे बताएं, मैंने जो 7 दिन में कैरेक्टर प्ले किया था, मैंने अरहान जो प्ले किया था, मैंने गाजी में जो किया था, गाजी की फिल्म की फेट चाहे जो भी थी, मेरा वाई वॉज ही स्टोइक। आप उस फिल्म को देख के बोल रहे हैं कि शहरयार की परफॉर्मेंस स्टोइक थी, बट उसकी दूसरी फिल्म में देखे तो उसमें तो आपको स्टोइक नहीं लग रही होती, तो वो स्टोइक क्यों है, समझे ना, फिर वो कैरेक्टर है, वो क्यों कैरेक्टर ऐसा है। मतलब हम अपने आप को लेके, अपने एक्टर्स को लेके हमेशा सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, वही काम कहीं और से हुआ होगा तो हम कहेंगे वाह यार क्या तो कर गया है लड़का, व्हाई, यू नो, आई एम इट्स हार्ट ब्रेकिंग। सो नाउ यू थिंक दैट यू आर डूइंग अ गुड गुड जॉब?
I won't even say that you think you're doing a great job, but you think that your Hasan, performances I've good. Never been They're happy. Up to the mark. I've never been happy with my performances. I'll tell you, and I think that's my personality. I'll probably never be happy with my performances. But what's happened now, recently, in the past year and a half or so, is I've started enjoying it like crazy. Like, I really have fun now. I really This enjoy is after Parihat Love? This is after Parihat Love. I really enjoy. इन मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है असलम करने में मुझे बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा मज़ा आया मैंने सिर्फ इन्जॉय किया और मैंने 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 रिजल्ट्स के बारे में सोचा ही नहीं कि वो रेटिंग आएगी नहीं आएगी क्या होगा नहीं होगा मैंने सिर्फ अपना काम इन्जॉय किया एंड आई थिंक इट वॉज आफ्टर परे हट लव दैट आई स्टार्टेड टू डिसाइड दैट ये जो हमारे सो फार सो कॉल्ड हमारे जो क्रिटिक्स हैं ड्राॅइंग रूम क्रिटिक्स जो हमारे हैं उनको उनको छोड़ के मैं अपने लिए काम करूँगा क्योंकि रिस्क मेरा रब मुझे दे रहा है इज्जत मेरा रब मुझे दे रहा है काम मेरा रब मुझे दे रहा है तो मैं व्हाई शुड आई लेट दोस पीपल स्पॉइल माय फन एंड बट ये क्रिटिक्स तो ड्रामे को भी रिव्यू करते हैं और ड्रामे के ऊपर भी अभी आपकी तारीफ अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है सब सही अगर हम कल को बोलेंगे कि शहरी ने अच्छी एक्टिंग नहीं की आपने तो... आपने बहुत फेयर फेयर चल रहे हैं बल्कि ऑन द कॉन्ट्री आई वुड से आप मुझे लेके बहुत डर के तारीफ करते हैं मेरी तो मैंने मैंने असल वो भी देखा है जब आपको किसी और की तारीफ करनी हो तो आप बड़ी खुल के करते हैं मेरी करते हुए यू नो आई जस्ट वांट टू से नॉट एट ऑल मैंने तो डूइंग अ ग्रेट जॉब मैंने तो डंके की चोट पे बोला है मैंने बोला पता नहीं लोग पता नहीं मैंने तो ये भी बोला पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है लोगों को एड्रेस करके बोला कि पिछली एपिसोड में लोगों को रुला दिया मुझे कहां-कहां से फोन आ रहे कि तूने रुला दिया बच्चे मैं रो रहा हूँ और यहाँ पे जो है बंदा बोल रहा है हाँ इट वॉज अ गुड एपिसोड और कुछ बोलना है ना आपने हसन तारीफ जब तनकीद कर खुल के करते हैं तो तारीफ भी तो खुले दिल से करें खुल के हमेशा खुल के करते हैं मैं तो स्टैंड आपके लिए हमेशा लेता हूं मैं कहता हूं कि कमेंट्स में लोग जो कहते हैं एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल और ये जो इन्होंने बात की बिल्कुल हमारी लास्ट 1.5 साल पहले बात हुई थी बट आई एम सो ग्रेटफुल थैंक यू सो मच बट नहीं व्हेन यू आर गुड मैंने आपको पहले यू आर वेरी बैलेंस्ड आई विल से अगेन नॉट बिकॉज़ यू एंड आई आर सिटिंग ओवर हियर यू आर बैलेंस्ड देयर आर कपल ऑफ पीपल दैट आर वेरी बैलेंस्ड एंड व्हाट आई मीन बाय बैलेंस्ड इज आप लोगों ने मेरी तंकीद भी की है जहां पे होनी है और आप लोगों ने तारीफ भी किया जहां होनी है जैसे मैंने कहा कि चांद पढ़ने के बाद फौरन इसके मुंह के ऊपर जो इतने निशान पड़ गए यूजुअली ऐसे नहीं आते वो बिल्कुल इसके अलावा क्यों आए वो निशान वैसे आप जब इतने आप इतनी घुसते हैं चीजों के अंदर तो वो आपने सोचा नहीं एक सेकंड के लिए कि यार अभी एक थप्पड़ पड़ा और थप्पड़ के वो ड्रामेटिक लाइसेंस था और इसमें हमारी गुफ्तगू हुई थी मेरी और अंजुम की और आपका क्या ओपिनियन था मेरा यही ओपिनियन मेरा तो उसके बाद भी इतने सारे निशान होने पर मैंने कहा था इतने क्यों निशान है क्यों उसको इतना ज्यादा सो वो एक ड्रामेटिक लाइसेंस था एंड अंजुम का मानना ये था कि टू गेट दैट पॉइंट अक्रॉस मेरे लिए जरूरी है कि मैं इतना दिखाऊं क्योंकि मुझे दिखाना तो फिर है मार ज्यादा दिखा देते मुझे पर. मुझे एक बंदे की क्रूरिटी दिखानी है तो मुझे इसलिए जरूरी है कि मैं ये करूं ही हैड अ लॉजिक फॉर इट एंड इट मेड सेंस टू मी कि मैं ड्रामेटिक लाइसेंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम उतना ही देखते हैं कि कितना दर्द आया है तो वो मुझे दिखाना है कि इतना दर्द दिया उसने अपने भाई को सो ही हैड अ लॉजिक टू इट एंड आई एक्सेप्टेड इट जहाँ जहाँ पे मेरे मैं खुद कर सकता था वो मैंने किया मैंने अपने कलर पैलेट से खेला हूँ मैं धुले हुए मुंह के साथ काम किया है एक सर्टन पॉइंट के अच्छा ये भी बड़ी मज़े की बात है मैं आपको बताऊँ मैं जब आया था लंदन से ये मेरी सामने मैनेजर भी बैठी हुई है मैं उसमें पहले दो एपिसोड के बाद कमेंट्स आ रहे हैं कि ये इतना मेकअप किया हुआ है मैंने मेकअप नहीं किया हुआ था हसन मैं लंदन से वापस आया था कोई इतना टाइम लगा के मैं भूत गोरा हुआ हुआ था एंड आई वॉज हेटिंग माई कम्प्लेक्शन मैं तो अंजुम को बोला अच्छा फिर ऊपर से अंजुम ने मेरा शेव करा दिया अंजुम ने शेव कराया तो अंदर से पहले ही मैंने थोड़ा वेट गेन किया हुआ तो एक गोरा आलू निकला ना बाहर और मैंने हाँ लोगों ने ये बोला लिपस्टिक भी लगाई हुई आपने शहरी तो, की लिप्स आपने शहरी की लिपस्टिक पे नहीं कमेंट किया माया की लिपस्टिक मैं तो यही तो आपको बता रहा हूँ तो वो गोरा आलू निकला तो मैंने जाके अंजुम से बोला अंजुम ये क्या मजाक है मैंने जाके देखे तो कहते यार अब एक्सक्यूज माई फ्रेंड उन्होंने कहा यार अब तो चिकना है तो मैं क्या करूँ मेरी गलती है सो फिर मैंने कुछ दिन धूप में गुजारे काला होने के लिए एक्चुअली और फिर मैंने अपना रंग गिराया एंड दिस इज एक्चुअली टैन होने के लिए ताकि वो असलम के कैरेक्टर के आने के लिए बिकॉज़ आई वांटेड टू टैन माय सेल्फ बट वो जनरली क्या होता है कि जब आप पोस्ट में ट्रीट कर रहे होते हो तो आप एक सैचुरेशन बढ़ा देते हो सो आई वाज जनरली जब मैंने शेव वेव किया था तो वो एक कॉन्ट्रास्ट हाई होता है और सैचुरेशन हाई होती है तो वो होंठों की लाली वैसी नजर आती है मुझे खुद वो अजीब लग रही थी जिसपे मैं
आपको नहीं पता होगा मैं बहुत गुस्सा हुआ होता हूँ अपने काम में. मैं हर एपिसोड के बाद जो है मेरी और अंजुम की कोई एक घंटे की बात होती है और मुझे कहते हैं यार एक तू ही है जो मेरा दिमाग चाटता है. और हम बात कर रहे होते हैं अंजुम अच्छा ये बहुत चीज़ ज़बरदस्त थी वो अच्छी थी, अच्छा यहाँ पे एडिट में ये था, अच्छा यहाँ पे रंग में ये था वो था. सो या अब पहली सी मोहब्बत किस तरफ जा रहा है, ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे? सो अभी ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक मेलोड्रामेटिक डिप आएगा और वो नज़र आ रहा है हमें उसकी तरफ जा रहा है. वो एक डिप आएगा मेरे कैरेक्टर में जो है वो अगर असलम के कैरेक्टर को मैं देखता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी वो बॉय से मैन की तरफ का उसका सफ़र शुरू हो गया. तो वो एक्चुअली उसने का उसने शेयर किया था, शेरू ने शेयर किया था एक क्लिप कुछ दिन पहले जिसमें उसने कहा था और कितना जलील कराएगा, उसने डायलॉग बोल रहा है शेरू. तो मैंने उसको रीशेयर करके लिखा कि अभी तो बहुत जलील कराना बाकी है अकरम भाई. एंड दैट्स ट्रू कि वो असलम जो है वो भी बहुत कोशिशें करेगा, बहुत पंगे लेगा एंड स्टफ. अभी ये कहानी इस मोड़ पे ख़त्म नहीं हुई रक्षी और असलम की? नहीं अभी नहीं हुई. ही इज़ गोना ट्राई वेरी हार्ड एंड बिकॉज वो एक देवदास नुमा मोहब्बत है उसकी लड़के की. उसका मैंने कैरेक्टर और ऐसे लड़के होते हैं जुनूनी जो जब मोहब्बत करते हैं तो फिर जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं और उनकी अना उनसे उनकी मोहब्बत से जुड़ी हुई होती है कि मैंने क्या मोहब्बत की. अगर आप वो देखें मैंने वो डायलॉग भी इसलिए बहुत उसके साथ मैं खेला डायलॉग के साथ जो पिछले एपिसोड में था. वो कहता है उसको अकरम असलम कहता है उसको वो ठीक कह रही है वो जानती नहीं है मुझे. और फिर माँ को देख के कहता है माँ ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी. सो वो मैंने डबल मीनिंगली खेला कि वो उसने कहा था वो तो कह रही है तुम्हें जानती नहीं है. तो वो डायलॉग जो उन्होंने लिखा हुआ था फायजा जी ने लिखा हुआ था उन्होंने लिखा हुआ था कि शायद वो सही कह रही होगी वो नहीं जानती होगी मुझे. मैंने उसको चेंज करके किया कि ठीक कह रही है वो. और फिर मैंने हंस के उसको डिलीवर किया कि जानती नहीं है मुझे. अब मैंने ये 2 रुपए का हीरोइज्म दिखाया उसका कि वो जानती नहीं है मैं तो अपनी छाती पे ले लूंगा सारे गुनाह और उसकी तरफ देख के बोलता हूँ अम्मा ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी. सो मैंने उसको उस लेवल से इसलिए खेला क्योंकि आई नो दिस सॉर्ट ऑफ पीपल. आई नो ये कि वो इश्क में भी जो है ना वो अपनी प्राइड लेके आते हैं कि मतलब हमने इश्क भी किया तो क्या है तो इश्क किया हमने. खैर एनीवे सो उसको देख के मैंने सो आई प्लेड अराउंड विद इट बिकॉज ऑफ दैट. सो वो अब लड़का जो है वो काफी आपको दिखाएगा अपना वो कि वो अभी इश्क के तो ये पहला उसका स्टेप और मंजिलें बहुत हैं. हाँ वो कहते हैं ना इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या. जबरदस्त इसको बेहतर तरीके से बोलते हैं. इसको बोलते हैं इब्तिदाए इश्क है होता नहीं रोता है क्या रोता क्या इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या. सो वो जो है अब उसका पहला लेवल है अभी उसका आगे जाएगा. तो ठीक है जबरदस्त फीडबैक आ रहा है पहली सी मोहब्बत का. आपको मुबारक हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमें बहुत पसंद आ रही है. हम आगे वेट कर रहे हैं कि ये जो बैंग्स हैं एक बैंग है ये मल्टीपल बैंग्स है ये कब आएंगे. बट वेल डन. जाते हुए जी ऑन अ फाइनल नोट क्या पैगाम देंगे आप अपने फैंस का, फैंस के लिए जो देख रहे हैं जो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके परफॉर्मेंस को? मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप सबने. And I'm so grateful. मैं आपको एक बात बताऊं जो अभी आपने देखा होगा हसन से बात हो रही थी तो इमोशनल हो गया था मैं. एक अदाकार जो होता है वो अपनी सारी जो है इनसिक्योरिटीज़ को बेयर करके आपको दिखाता है अपने आप को. वो अपने आप को एक तरह से अपनी अपनी जो उसकी रूह है उसको नंगा करके आपके सामने पेश करता है. तो उसको और कुछ नहीं चाहिए होता, उसको सिर्फ एक नॉड चाहिए होता है. और आप लोगों ने मुझे बहुत खुले दिल से मोहब्बत दी. मेरे इनबॉक्स में मैसेजेस होते हैं, मेरे फेसबुक पे होते हैं, मुझे फ़ोन के पता नहीं किस तरीके से नंबर निकलता है बट आप लोग काफ़ी लोग मैसेज करते हैं. सो आई एम सुप्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतना प्यार दिया. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी आपको डिसअपॉइंट ना करूँ. मैंने हाँ पिछले कुछ सालों में बहुत कम काम किया है लेकिन अब मुझे मज़ा आ रहा है और अब मैं अपना गियर चेंज करूंगा थोड़ा सा. आगे अब क्या हम कब देखेंगे आपको? क्या प्रोजेक्ट लाइनअप है, हो रहा है काम? सकीना जी की फिल्म एक तो मैंने उठाई है जी. बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म के उस पे टॉपिक पे है. हमें पता चला आपने एक वेब सीरीज भी की हुई है शूट Z5 के लिए. मैंने उस एक एपिसोड वो मल्टी एपिसोड है, 6 एपिसोडर है, हर एपिसोड में डिफरेंट स्टोरी है. तो एक एपिसोड उसकी की है मैंने मीनू के साथ, अगेन जिनके साथ मैंने 7 दिन की थी. आई लव मीनू, वंडरफुल डायरेक्टर, उनके साथ मैंने भी की है एंड बहुत मज़े का कैरेक्टर है. मैं लवर बॉय किलर, तो लवर बॉय है लेकिन किलर है. अच्छा तो मज़े का कैरेक्टर था. और ड्रामे और हम देखेंगे अब आपको पहली सी मोहब्बत के बाद भी?
इंशाल्लाह 3-4 स्क्रिप्ट्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे ड्रामा करके बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया एक्चुअली, करने में मज़ा आया, क्योंकि इतना ज़्यादा काम जो है ना, जब आप रेपिटेडली कर रहे होते हो तो आपको एक 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 डिफरेंट किस्म का हाई होता है, आप उसी कैरेक्टर में रह रहे होते हो। मैं 3-4 महीने सिर्फ असलम के कैरेक्टर में जी रहा था और मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि असलम एक बहुत मज़े का कैरेक्टर है, मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि वो है ना हाजिर जवाब है, अगर आप शुरू में देखें उसको हर चीज़ का जवाब है उसके पास, तो बहुत मज़ा आया मुझे। ख़तरनाक हो गया था मैं दोस्तों के लिए, क्योंकि दोस्त परेशान हो गए थे कि मैं हर चीज़ का जवाब होता था मेरे पास, बट मैंने इन्जॉय किया। सो आई रियली इन्जॉयड इट, एंड मैं करूँगा एक और प्ले, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर साल एक सीरियल ज़रूर करूँ। और फिल्में तो आजकल के दौर में हमें पता अभी एक सकीना जी की फिल्म हो रही है, वो आई थिंक डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट मटेरियल उसकी रीच डिफरेंट होगी, वो इंटरनेशनल ऑडियंसिस के लिए हो रही है, उसका एक सब्जेक्ट मैटर भी ऐसा है वो है। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता, ऑफ कैमरा आपसे कर लूँगा, उसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। और प्रोडक्शन में क्या ड्रामा प्रोड्यूस करने का नहीं सोचा आपने? फिल्म तो प्रोड्यूस कर ली आपने? जल्द इंशाल्लाह जल्द, अभी नहीं, लेकिन देखिए मैं मेरा मानना ये है कि अगर मेरे करने से कोई चीज़ का फ़ायदा हो ना, तब मैं वो चीज़ करूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे बगैर अगर प्रोड्यूसर्स अच्छा काम करें तो मेरा प्रोड्यूसर बनने का क्या काम। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप इतने ओपिनियनेटेड हैं, आप ट्विटर पे क्यों नहीं बोलते? मैंने बोला यार मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मोतबर लोग हैं जो इस वक्त बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो मेरा चुप ही नहीं हो रहे। आई डोंट नो, बट मैं इसलिए नहीं बोलना पसंद करता क्योंकि मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मोतबर लोग हैं। इसी तरीके से मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर प्रोड्यूसर्स अभी हैं जो ड्रामे बना रहे हैं। जब मुझे लगेगा कि कोई ऐसी स्टोरी है जो मुझे सुनानी है और मैंने नहीं सुनाई तो मैं फट जाऊँगा, तो मैं ज़रूर एक बनाऊँगा ड्रामा, प्रोड्यूस भी कर लूँगा। खैर, आपका टू आंसर योर क्वेश्चन, एक और प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, वो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, और फिर अब उसके अलावा मैं 3-4 स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ फॉर ड्रामास, तो इस साल के एंड में एक ड्रामा भी इंशाल्लाह शूट करूंगा जो आप अगले साल देख सकें। ज़बरदस्त, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर शहरी, थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, बट आई होप के लोगों ने एडिट नहीं, आई एम श्योर के लोग इसको बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी मेरा नहीं ख्याल कि आपने इस अंदाज से पहले कभी शेयर की है, तो थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी मैं भी लेना चाहूँगा। बट नो, थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग अप लाइक यू डिड एंड फॉर टेलिंग एवरीबडी के जिन लोगों को जो ये देख रहे हैं कैमरे के पीछे, या जो जिनको लगता है कि एक्टिंग एक ईजी काम है या बहुत आसान काम है, एक्टर्स की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, शायद कुछ एक्टर्स की हो भी, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक इट बिग यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, एंड आई थिंक शहरयार हियर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, जिनको आप फॉलो करके अगर आप वाकई जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इस क्राफ्ट में, आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हो। थैंक यू सो मच शहरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।